अच्छा, देख आप एक काम करें लो ना, अपनी स्क्रीन शेयर करके इस। ज़रा अगर आप बताना चाहें तो, कि स्टेट वैल्यू में क्या इश्यूज़ आपको समझ में नहीं आ रहे, या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके सर मेरी मैं, सही बनी है। हाँ तुम्हारी बिल्कुल सही बनी है, आप बहुत अच्छी बनाई है तुमने आप यार, गुड। सर हाँ जी, सर मेरे पास एरर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, ज़रा इनका ज़रा देख लेते हैं पहले। अच्छा जी, ओपन रीसेंट मर्न स्टैक डेवलपमेंट क्लास, और ये मैं आ गया रिएक्ट जेएस के ये वेदर ऐप में, जो लास्ट हमने ये वेदर ऐप बनाई थी इसमें आ गया मैं। अच्छा जी, एक स्टेट वेरिएबल और ये दो स्टेट वेरिएबल, इसमें आपको क्या जी समझ सर, में आ रहा ये सम टाइम देखें, जिस तरह ये सम टाइम नल वैल्यू रखी है है? उस दिन हाँ हमने की थी ट्रू, या सम टाइम हम एरे रख लेते हैं, ये चीज कंफ्यूज कर अच्छा, रही थी यहाँ कि पे किस ये बेस एरे पे जो रखा हुआ रखें। है और ये जो स्ट्रिंग रखा हुआ है, जी सर, अच्छा ये इनिशियल वैल्यू, देखो जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, लेट माई नम इक्वल्स टू 5 ऐसे रखता हूँ मैं, राइट? तो अगर यही चीज़ मैं स्टेट वेरिएबल में बनाऊँगा तो मैं कैसे रखूँगा, मैं इसको ऐसे रखूँगा माई नम, सही है, उसके बाद सेट माई नम और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा 5। ये चीज़ एक नॉर्मल सर वेरिएबल ये है, वैल्यू कुछ। ये एक स्टेट जी वेरिएबल है। सर ठीक है। अब ये शुरू में 5 रखा हुआ है ना इसमें, तो ये भी शुरू में 5 रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। अब ये बाद में इसको मैं चेंज करूँगा किसके ज़रिए, सेट माई नम के ज़रिए। अच्छा, तो दोनों में चेंज करवाने का तरीका, जैसे मैं माई नम को अगर चेंज करना है, ये जो सिंपल वेरिएबल है इसको मैं बोलूँगा माई नम इक्वल टू, बाद में 10 कर दिया मैंने लाइक दिस। अगर मुझे इस स्टेट वेरिएबल को चेंज करना है तो उसके लिए मैं करूँगा कि भाई सेट माई नम और ऐसे करके मैं बोलूँगा इसमें 10, ठीक है? तो मैंने नॉर्मल वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करना और स्टेट वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करना ये बताया, फिर नॉर्मल वेरिएबल को चेंज करना और स्टेट वेरिएबल को चेंज करने का दोनों का तरीका भी बता दिया। इसको मैं कमेंट करके यहीं पे छोड़ देता हूँ ताकि बाद में आपके लिए ये मौजूद रहे। अच्छा जी लैला, आपका कोई क्वेश्चन था? अभी कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, लैला थी गालबन जी सर जी? मैं स्क्रीन शेयर करती जी स्क्रीन शेयर कर देंगे। आपकी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई है भाई साहब। हूँ। है सर, लिंक शेयर करा है हमने, देखेगा। अच्छा, इरफान सुल्तान अनम शब्बीर, अभी आपका लिंक देख लेते हैं ज़रा, इनका एरर पहले देख लें। अच्छा मैं अभी बना रही थी पर जी क्या है आपके पास एरर? लेट बनाते हैं। एरर बताती हैं मुझे, एक चीज़ बताइएगा, ये रिएक्ट में जो ऐप बनते हैं ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव हैं स्क्रीन्स के लिए या कभी बनाना पड़ेगा? नहीं, जैसे CSS से हम बनाते हैं ना रिस्पॉन्सिव, उसी तरह इसको भी बनाना पड़ेगा हमें। अच्छा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव, इसके बॉयलर प्लेट में ऐसा कुछ नहीं है? बॉयलर प्लेट में इसका ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन जिस तरह से जो HTML5 के टेम्पलेट्स मिलते हैं ना आपको ऑनलाइन, वो पहले से रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, पूरा बना बनाई ऐप होती है उसमें से नाम चेंज, तो उस तरह के टेम्पलेट्स ना रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट रिएक्ट के मौजूद हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बॉयलर प्लेट बने हुए मिल जाएंगे जो पहले से रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये अभी जो हमने बनाया है बॉयलर प्लेट, ये रिस्पॉन्सिव पहले से नहीं है। ठीक है सर, अभी कोई अगर ऐप बनाए तो उसको थोड़ा सा एक एक जो दो स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव अगर बना दी, जो करते भी हैं ऐप बनाए। जी, आपका एरर क्या है बताइएगा प्लीज़। स्क्रीन ही नहीं चल रही है, दोबारा चला के बता दूँ। आपका हैंग हो PC रहा है। हैंग हो रहा है मेरे हिसाब से।
ये जो आपका टर्मिनल है ना, टर्मिनल को ज़रा खोलें आप, ये एरर आ तो रहा है यहीं पर आ रहा है, इसको स्क्रॉल करें, ये बता रहा है एरर यहाँ पे, हल्का हल्का करके स्क्रॉल करें, पार्सिंग एरर आ रहा है आपके पास, इसी में लाइन नंबर 53 के नीचे ये पार्सिंग एरर है। आपने जो कमेंट किया है ना, ये कमेंट एक लाइन नंबर 63 को भी कमेंट करना होगा, या आपने मिस कर दिया है। हाँ, इसको भी कमेंट करें। अच्छा, ये सही हो गया। अब ये दूसरी दूसरे फाइल में भी एक एरर है आपके, इस फाइल में भी। हाँ, खोलें इसको, खोलें, बिल्कुल सही है, इसको कमेंट हटाएं, ये सही हो गया। अच्छा, अभी भी एरर है कुछ। हाँ सही है, ख़त्म हो गया एरर, अभी भी कुछ है क्या? प्लान भी अब स्टार्ट कर दिया। बस मेरा ख्याल है यही एरर था, सही हो गया ये। नहीं, एक और एरर आपकी स्क्रीन शायद दोबारा से स्टक हो गई है मेरे पास, है। नहीं, इनका सिस्टम हैंग कर रहा है। अच्छा लैला, अपना अपना ये ज़रा सही कर लें, वो एरर निकाल लें, फिर दोबारा आपसे ले लेंगे स्क्रीन आपकी ना, दोबारा शेयर कर लेंगे। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है? अच्छा जी, तो हम वापस आ जाते हैं। सर मेरी बन गई रिप्लाई नहीं किया मैंने, क्या बन गई आपकी? मैं बना चुका हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं किया, इंशाल्लाह कल तक दे दूंगा आपको। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इरफान सुल्तान और इनका ज़रा देख लेते हैं, इन्होंने क्या बनाया, अनम शब्बीर और मोहम्मद अली। अच्छा, इरफान सुल्तान ने जो बनाया है, वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया आप सबने। सही, आनम शब्बीर ने भी बहुत अच्छा बनाया है, हफ्जा मारिया। वाह यार, रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी इन्होंने लगा लिया, मारिया ने बहुत अच्छा बनाया जी, सब लोगों ने ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि इससे आगे अब हमारी क्या चीज़ इसमें रह गई है। हमने यूज़ इफ़ेक्ट हमने पढ़ लिया है, हमने यूज़ स्टेट पढ़ लिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और हमने जो है ना कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स की हायरार्की भी समझ ली थी। ठीक है, तीन ये पेजेस बना लिए थे हमने। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं कि अब इसमें ज़रा लॉग इन साइनअप बना लेते हैं हम, क्या ख्याल है? ओ, लॉग इन साइनअप नहीं, सॉरी, आज तो हमने राउटिंग पढ़ना था ना, इसमें डिफरेंट पेजेस कैसे बनेंगे वो पढ़ना था हमने। वेदर ऐप तो कल हमने बना ली थी, क्योंकि ये अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, राउटिंग हमने पढ़नी है। हाँ सही है, राउटिंग पढ़नी है हमने। आई एम होम कंपोनेंट, आई एम ओके ओके ओके। अच्छा, तो हमारे पास अभी अबाउट है, होम है, एक पेज और बना लेते हैं इसमें, एक पेज और बना लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं गैलरी, गैलरी, और इसके अंदर जाके हम कहते हैं कि ये है गैलरी,
ठीक है जी, ये गैलरी का पेज हो गया। तो तीन पेजेस हैं हमारे पास टोटल। इसको ऐप को हम रन भी कर लेते हैं कि स्क्रीन पे ये दिखता कैसा है पता चल जाए हमें। हम ये मौजूद हैं नंबर 6 पे, जो कि वेदर ऐप हमारा इसका नाम है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ बाय द वे, इसको ना इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि वेदर ऐप में जहाँ तक हमने बनाया था वो वहाँ पर सेव हो जाए और हम एक मतलब उसी को कंटिन्यू कर लें एक नए फोल्डर में। ठीक है, राउटिंग उसका नाम रख देंगे ताकि पता चले कि अच्छा यार इस वाले फोल्डर में राउटिंग सीखी है हमने। तो ये उसकी मैंने कॉपी बना दिया। ठीक है जी, ये कॉपी अभी तक बन रही है। हाँ बन गई है। इसको मैं कर देता हूँ कि 7 राउटिंग, राइट। राउटिंग हम देख लेते हैं कि अब किस तरह से होती है। अच्छा तो अब इस राउटिंग वाले को मैं चला लेता हूँ। मैंने कहा CD7 राउटिंग, तो इस राउटिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ इस वक्त। और अब मैं क्या करता हूँ, NPM स्टार्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी वो आपका जो मैसेज है ना वो मेरे समझ में नहीं आया था तो मैंने आपको कॉल बैक किया था इस वजह से। तो नहीं, वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना, वो कोडिंग लिखी हुई तो नहीं होती, वो तो जो आपका क्लाइंट बोलता है वो आपको बनाना पड़ता है ना। कोई ऐसी फिक्स कोडिंग तो नहीं है कि वो हमेशा हर दफ़ा वही लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ना जो ऑन गोइंग, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो लिंक आपको मैं भेज चुका हूँ आपको मैसेज पे, तो वो ज़रा आप देख लें और उसकी आप फ़ीस पे करके आप एडमिशन ले लें। तो शुरू से सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आपको, ऐसा कोई फिक्स कोड नहीं होता कि आप वो एक दफ़ा लिख दें और हो गया। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अच्छा तो अभी तो ये हमारे पास वेदर ऐप ऐसे मौजूद है, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास तीन पेजेस होंगे इस पूरे ऐप के अंदर। मैं ऐप जो .js में चला जाता हूँ, यहाँ पे देखें एक है होम पेज, एक है अबाउट का पेज और एक तीसरा पेज भी अब आ चुका है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड गैलरी। ठीक है, कंपोनेंट्स स्लैश क्या था इसका फोल्डर का नाम यार, GLLER भाई। GLLERY सही है जी। तो ये गैलरी मैंने यहाँ से उठा ली। तो ये मेरे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अबाउट और गैलरी को मैंने प्रिंट करवाया, इसने कहा आई एम होम कंपोनेंट, आई एम गैलरी कंपोनेंट। अब क्या होता था, प्लेन HTML CSS की जो ऐप होती थी उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम तीन अलग अलग पेजेस बनाते थे, लेकिन जैसा कि शुरू में ये बात बता दी गई थी कि रिएक्ट की जो ऐप है दैट इज़ मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के ज़रिए ही रिएक्ट की पूरी ऐप बनती है। तो पूरी ऐप आपकी एक कंपोनेंट होगी, दिस इज़ द होल ऐप, ये जो ऐप का कंपोनेंट है पूरा, ये पूरी की पूरी ऐप है आपकी ये। ठीक हो गया। अच्छा, उस ऐप के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, जैसे कि होम का पेज, जैसे कि अबाउट का पेज, जैसे कि गैलरी का पेज, दैट इज़ गोइंग टू बी अ कंपोनेंट, राइट। अच्छा, लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें इस स्पेसिफिक केस में करना ये है कि हमें जब यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखा हुआ है तो हमें लेके जाना है अबाउट पे। ठीक है, स्लैश अच्छा होम कहाँ पे लेके जाना है, जब स्लैश हो, कुछ भी नहीं हो तो होम आए, और स्लैश अबाउट हो तो अबाउट में जाए, स्लैश गैलरी हो तो गैलरी में जाए। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए हमारे पास आते हैं रिएक्ट राउटर्स। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम, हाँ अच्छा जी, ये हम आ गए रिएक्ट राउटर में। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, इसकी इंस्टॉलेशन ये तो नई ऐप एक बना के दिखा रहा है, उसके बाद यार्न ऐड से भी कर सकते हैं, NPM से भी। अच्छा, NPM की तरह ना यार्न भी एक होता है, तो मैं क्या करूँगा, NPM इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम ऐसे करके मैं लिख दूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा।
ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा इसको स्प्लिट कर लेता हूँ मैं अपने टर्मिनल को। मैंने बोला कि एन पी एम आई रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, ठीक है। रिएक्ट राउटर को मैंने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अपने पास, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ये करना है कि मेरे ऐप के कंपोनेंट में आके मुझे इस तरह की कुछ कोडिंग करनी है, इन सबको इम्पोर्ट कर लेना है, सही है। ये खुद बता रहे हैं, एग्जाम्पल सारी बना के दी भी है इन्होंने, सही है जी। जो मैंने लाइब्रेरी अभी अभी इंस्टॉल की है उसको मैंने क्या कर लिया, इम्पोर्ट भी कर लिया है, सही है। ये तमाम चीज़ें मैंने इस लाइब्रेरी से इम्पोर्ट की हैं, दैट इज़ ब्राउज़र राउटर स्विच राउट और लिंक, ये सारी चीज़ें मैंने इम्पोर्ट कर ली हैं यहाँ से। अच्छा अब मैंने क्या करना है, पहले मैं ये करता था कि डायरेक्ट क्या करता था, यहाँ पे एक डिफ बना हुआ था उसके अंदर होम अबाउट डायरेक्ट प्रिंट करवा देता था। नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। इसको मैं क्या करूँगा, एक इसकी इसको रोक दूंगा मैं, और इसको रोक के अब जैसे इन्होंने बताया वैसे मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने कैसे बताया, ऐसे करके बताया, इस पूरे को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ऐसे करके मुझे करना पड़ेगा जैसे इन्होंने बताया, ओ ओ ठीक है। अच्छा इस फाइल का नाम भी मैं बाय द वे JSX कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे ना ये सजेशन नहीं दे रहा फिर, ठीक है। JSX कर दूंगा तो मुझे सजेशन देना शुरू कर देगा। यार ये क्या हो गया इसको, JavaScript React का फॉर्मेटर इंस्टॉल नहीं है कह रहा है, पता नहीं पागल हो गया ये। अच्छा खैर, तो अब हम कैसे कर रहे हैं, इसको मैं उड़ा देता हूँ, ये बिला वजह यहाँ खड़ा हो गया ना वो कर रहा हूँ। अब मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ, अब मेरी आदत है बार बार फॉर्मेट करने की और मुझे एरर दे रहा है, देख रहे हो उसको। मुझे सबसे पहले राउटर डिफाइन करना है, राउटर वो चीज़ होगी जो हमेशा टॉप पे खड़ी रहेगी आके। अच्छा राउटर के अंदर मैंने कहा कि एक डिव है, उसके अंदर एक, अच्छा इस डिव की ज़रूरत है क्या मुझे, हाँ डिव की ज़रूरत है। अच्छा उसके अंदर एक नेव बार होगा, नेव बार दैट इज़ कॉल्ड नेविगेशन बार, ठीक है। उसके अंदर क्या लगा हुआ है, उसके अंदर लगा हुआ है UL और उसके अंदर लगा हुआ है LI। अच्छा UL LI क्यों लगा हुआ है, ये बिल्कुल शुरू में हमने सिमेंटिक टैग्स पढ़े थे कि भाई सिमेंटिक टैग्स होते हैं उसका पर्पस होता है, इसलिए लगा हुआ है। और ये लिंक लगा हुआ है, ये लिंक कहाँ से मुझे मिला है, ये लिंक मुझे मिला है रिएक्ट के राउटर में से, ठीक है। इस लिंक पे जब मैं प्रेस करूँगा तो ये मुझे कहाँ लेके चला जाएगा, ये मुझे स्लैश पे लेके चला जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मुझे स्लैश अबाउट पे लेके चला जाएगा, और इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो स्लैश यूज़र्स पे लेके चला जाएगा। अच्छा मेरे पास ये नाम नहीं है, मेरे पास नाम क्या है, मेरे पास है होम अबाउट गैलरी है, तो मैंने कहा कि स्लैश होम है अबाउट है और उसके बाद गैलरी है, ठीक है। मेरे मर्ज़ी का इसमें राउट होगा ना जो भी होगा, ठीक है। तो मेरे पास तीन पेजेस हैं अभी, कल को लॉगिन साइनअप भी इसी में होगा मेरे पास, ठीक है। अभी हम लॉगिन साइनअप भी करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा अब मैंने कहा कि जब पाथ जब होना सेट, क्या वो पाथ स्लैश हो जब, सही है, पाथ जब स्लैश हो तो होम को रेंडर कर दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब पाथ हो मेरे पास यूज़र्स, यूज़र्स तो नहीं है ना मेरे पास, तो गैलरी है। मैंने कहा जब पाथ हो गैलरी तो क्या कर दो, गैलरी को रेंडर कर दो, और जब पाथ हो अबाउट तो अबाउट को रेंडर कर दो, ठीक है। अच्छा ये स्लैश वाला हमेशा सबसे आखिर में लगेगा, ये प्लीज़ याद रखिएगा। और इसके साथ एक चीज़ और लगेगी, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट पता नहीं क्या होता है, बहरहाल स्पेलिंग में भूल रहा हूँ एग्जैक्ट की, वो यहाँ कहीं नीचे एग्जाम्पल में आ भी जाएगा कि स्लैश के साथ ना एग्जैक्ट आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। वो अभी आ जाएगा कहीं आगे डॉक्यूमेंट में, वेल अभी एग्जैक्ट को छोड़ देते हैं हम। ये एग्जैक्ट बाय द वे आपको लगाना होता है, अदरवाइज वो क्या होता है कि स्लैश के आगे कोई भी चीज़ होती है ना तो वो समझता है उसको स्लैश ही है वो। अच्छा फिर मैंने क्या किया, अच्छा चलो अभी इतने पे ही रखते हैं। अब ये क्या करेगा, ये जो स्विच देख रहे हो ना, ये स्विच ये क्या करेगा, ये कंडीशनल राउट कंडीशनली रेंडर करेगा। अगर अबाउट होगा लिखा हुआ URL पे तो इसको करेगा, बाकी दोनों को रेंडर नहीं करेगा। अगर गैलरी होगा URL पे तो सिर्फ इसको रेंडर करेगा, बाकी इस वाले को और इस वाले को नहीं करेगा। अगर स्लैश होगा URL पे तो सिर्फ इसको रेंडर करेगा, बाकी दोनों को नहीं करेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जब क्लिक करते हैं होम पे तो होम के पेज पे आप चले जाते हैं, आप जब क्लिक करते हैं अबाउट के पेज पे तो आप अबाउट के पेज पे चले जाते हैं। ये क्या हुआ भाई, स्विच एज स्विच वॉज नॉट फाउंड इन रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा ये कह रहा है स्विच तो मुझे मिल ही नहीं रहा, ये क्या सीन है भाई,
npm स्टार्ट को रोक के दोबारा चलाता हूँ मैं। ये कौन सा सीन है, मैंने क्या कोड कॉपी करने में कोई मिस्टेक की है? ना, अच्छा ये क्यों आ रहा है भाई? ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये स्विच कैपिटल एस हटा दो, कैपिटल एस हटा दूं? नहीं नहीं असल में ये स्विच का ना नाम इन्होंने चेंज किया था गालबन, तो वो इस वजह से वो मसला कर रहा है। स्विच जो है ना वो नाम इसका चेंज कर दिया था इन्होंने, एक्सपोर्ट स्विच इम्पोर्टेड एज स्विच, एस डब्ल्यू आई टी सी है, एस डब्ल्यू आई टी सी सही तो है, वॉज नॉट फाउंड इन द रिएक्ट फॉर आउटर। हाँ वो इसका नाम इन्होंने चेंज किया है, वो डॉक्यूमेंट अभी तक अपडेट नहीं किया इन्होंने। अल्लाह अकबर यार, कब करेंगे पता नहीं है अपडेट। ये देखो किसी ने सवाल पूछा हुआ है नीचे, इसने यही बताया हुआ है कि भाई ये स्विच ऐसे करके पहले इम्पोर्ट होता था, अब इसको ना राउट्स कर देंगे, अब इसका नाम चेंज हो गया, राउट्स हो गया इसका नाम, राइट? वो इस वजह से एरर दे रहा है, मतलब लाइब्रेरी अपडेट हो गई है, डॉक्यूमेंट अभी तक अपडेट नहीं किया उन्होंने, डॉक्यूमेंट पुराना छोड़ा हुआ है, तो अब इसका नाम हो चुका है राउट्स, गॉट इट, राउट्स इसका नाम हो चुका है, और जहाँ पे स्विच लिखा जाता था वहाँ पे राउट्स लिखा जाएगा, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब तो चल जा, अब क्या हो गया, अब क्या मसला है सर इसकी कोई? अच्छा वो अबाउट मैंने हाथ से लिखा हुआ है ना ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन है, सॉरी V6 की कोई अलग डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे ऊपर V5 आ रहा है इसमें V6? अच्छा V5 आ रहा है ऊपर, कहाँ आ रहा है V5? ऊपर एड्रेस बार में देखें। ओके 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 ओके, जबी तो असल में ये मुझे पता नहीं चला, मैंने ये पुराना खोल लिया। अच्छा ये तो खुद से ही V5 दे रहा है, ये क्या चक्कर है? हाँ ये तो तुमने बड़ा सही बताया यार सर, मेरा भी यही खुला था, मैंने ना खोला था बाई डिफॉल्ट, ये क्यों खोल रहा है पता नहीं। अच्छा अपग्रेडिंग फ्रॉम V5, हाँ तो V6.4 डायरेक्ट हम ओपन करते हैं ना। अच्छा ये V6.5 का कोड है, कोड वही है एक्चुअली, कोड को इतना ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, वही कोड है एक्चुअली, बस इन्होंने नाम थोड़े बहुत चेंज कर दिए और कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा अच्छा एक चीज़ हमने नहीं लगाई है ना, जब ही तो ये काम नहीं कर रहा, एक index.js में भी एक चीज़ लगती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हमारे पास आ गई, ये न्यू वाली आ गई, इसमें सही है नाम भी चेंज हुआ है, राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर नहीं यार, ये क्या वाहियात एग्जांपल बनाई है इन्होंने, इनके गिटहब में चलते हैं, वहां पे देखते हैं, वहां पे कोई ढंग की एग्जांपल अगर हो तो। अच्छा जी तो हम ये रेडॉक्स डॉक्स में चलते हैं सर, डॉट प्रोवाइडर लगता है ना, मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ, वो तो मैं तो लगा दूंगा, लेकिन वो बाद में आपके लिए भी तो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना। वेल जी जी, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, अच्छा मेरा ख्याल है अभी कोई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यही वाली है फिलहाल इनके पास ना। अगर मैं इसमें V6 हाथ से लिख दूँ अगर, तो क्या ये जाता है V6 पे? नहीं जा रहा, तो अभी फ़िलहाल यही डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, तो हम क्या करते हैं इसी को ही फॉलो करते हैं फ़िलहाल के लिए। अच्छा अब प्रोवाइडर भी इन्होंने लगाना नहीं बताया यहाँ पे, क्या बकवास है यार। गेटिंग स्टार्टेड में ही खड़ा हुआ हूँ ना मैं, कहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये रख क्विक स्टार्ट, क्विक स्टार्ट में ही तो खड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा पढ़ लेते हैं ज़रा, कहीं इन्होंने क्या बताया हुआ है कहीं पे कुछ, नेस्टेड राउट, अब डायरेक्ट नेस्टेड राउट में आ गया, प्रोवाइडर कौन लगाना बताएगा पप्पा वेल मैं काम करता हूँ, जो मैं अपना गिटहब खोल के ना कोई पुरानी रिपोजिटरी निकालता हूँ, और वहाँ से जो है ना मैं आपको एज अ एग्जांपल वो बता देता हूँ, ताकि बाद में आपके लिए कोई एग्जांपल रहे कि अच्छा यार कहाँ से करना है। तो मैं कर देता हूँ भला,
रिएक्ट और राउटिंग, ठीक है जी, SRC इंडेक्स अच्छा यार प्रोवाइडर तो मैंने इसमें भी नहीं लगाया हुआ, मैं खुद भी भूल गया हूँ शायद, ये मैं खुद भी भूल गया हूँ ये शायद। अरे यार ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने कोड लिखा हुआ, तो ये मेरा चल क्यों नहीं रहा, पर ये क्या बकवास है, एरर कोई आ रहा है, अगर एरर देख लेते हैं कॉन्सोल पे। ओके यहाँ पे एरर कुछ दिया हुआ है इसने, इस एरर को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है ये। अच्छा, होम इज़ नॉट अ राउट कॉम्पोनेंट, ऑल कम्पोनेंट चिल्ड्रन ऑफ राउट मस्ट बी राउट और अ रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ओके, होम इज़ नॉट अ राउट, होम इज़ नॉट अ राउट, होम इज़ नॉट अ राउट, वट डज इट मीन कि होम इज़ नॉट अ राउट। अच्छा वो जो आपकी गिटहब है वहाँ पर आपने एलियास बनाया हुआ शायद, रिएक्ट राउट एज राउट, यहाँ नहीं किया हुआ, राउट एज राउट ऐसे बनाया हुआ मैंने, ऐसा कुछ नज़र आया मुझे। ये तो ब्राउज़र राउटर एज अ राउट किया हुआ है, राउटर ब्राउज़र राउटर एज अ राउटर, हाँ सही है, ब्राउज़र राउटर एज अ राउटर किया हुआ है, और राउटर पहले है उसके अंदर लिंक्स हैं और उसके अंदर राउट्स है और उसके अंदर राउट है, स्विच है उसके अंदर राउट है, सही है। तो अभी इसका नाम चेंज हो गया, राउट्स हो गया, तो हम राउट्स लिखेंगे। अब ये एरर मुझे ये दे रहा है, मुझे अभी जो एरर इसकी बात समझ में आई है ना, वो ये समझ में आई है कि जो जो कंपोनेंट्स मैंने अंदर प्रिंट करवाए हैं ना इसके राउट के, कह रहा है वो जो है ना होने चाहिए वो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट होने चाहिए वो। तो मैं ज़रा एक दफ़ा होम पे आता हूँ, वो कह रहा है मुझसे, वो मुझसे कह रहा है कि ये जो डिव लगाया हुआ है ना आपने शुरू में, आप ये डिव नहीं लगाओ, आप इसको लगाओ रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, यानी इस डिव को खाली कर दो, ये कह रहा है वो, कह रहा है ये लगाओ शुरू में उसके, आप जो मुझे समझ में आई है उस एरर का जो मैसेज मुझे समझ आया है। अच्छा ये तो लगा दिया फिर भी एरर आ रहा है, तो इसको ज़रा अलग से गूगल कर लेते हैं कि क्या चक्कर है ये। अच्छा ये किसी ने पूछा हुआ भी है यहाँ पे कि ये क्या चक्कर है सर, एक्सटेंशन डाउनलोड। ओके ओके ओके, वो कह रहा है कि अब ऐसे करके होगा ये, वो यानी अंदर का जो तरीका था वो भी पुराना हो गया, अब वो कह रहा है कि भाई ये ऐसे करके होगा, वो कह रहा है राउट ऐसे करके लिखा जाएगा, वो जो अंदर चिल्ड्रन देते थे ना वैसे नहीं होगा, वो एलिमेंट करके उसको पास करना होगा मुझे, ये थोड़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, काइंड ऑफ बेहतर हो गया, आसान हो गया। हाँ। वो कह रहा है कि ऐसे चाइल्ड करके जो देते थे ना वैसे नहीं दिया जाएगा, अब ये दिया जाएगा ऐसे एलिमेंट करके, ठीक है। इसने बोला अबाउट और एलिमेंट, एलिमेंट इक्वल्स टू ऐसे करके, और अबाउट का ये पूरा आप कट करके उसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे आप। सॉरी एक दफ़ा फिर समझा देगा, सेल्फ क्लोज नहीं, अब ये पूरा कंप्लीट होगा तो आपको समझ आ जाएगा, असल में मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि ये चक्कर क्या हुआ है। एलिमेंट इक्वल्स टू, ये सही कह रहे हैं, आसान हो गया ये तो, पहले से आसान हो गया ये थोड़ा, और ये सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है जी, ये हट जाएगा और ये यहाँ से कट होगा, यहाँ से रिमूव होगा, एलिमेंट इक्वल्स टू दिस। अच्छा तो किसी ने बताया इस स्टैक ओवरफ्लो पे ये इस तरह से होगा, तो अब ज़रा इसको, यार ये फॉर्मेटर को क्या हो गया, फॉर्मेटर चलना बंद हो गया अचानक, वो कह रहे हैं कि इस तरह से होगा, ये आसान है ना, बेहतर है, पहले मैं करता था राउट के अंदर उसको दे रहा होता था, तो अब ये कह रहे हैं इस तरह से होगा, आगे देखते हैं अब ये चल गया कि नहीं चल गया। अच्छा अभी इसने कोई दूसरा एरर दिया, अब क्या इसने एरर दिया भाई, कह रहा है मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड फ्रॉम नॉट जस्ट दिस 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 मर्न स्टैक क्लोजिंग टैग फॉर राउट। अच्छा क्लोजिंग टैग कहीं पे मैंने मिस कर दिया इसका, हाँ ये मैंने क्लोजिंग टैग यहाँ पे मिस कर दिया था, सही है, अरे चल गया,
ठीक है, तो वो लाइब्रेरी ज़रा अपडेट हो गई है हमारी, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा था, थोड़ा सा मस्ती ले रहा था हमसे। अच्छा, तो होम पे क्लिक किया तो होम, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट, गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी। मैं दोबारा से कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ सब लोगों को, जिनको समझ में नहीं आया या कोई ऐसी बात हो गई। इस कोड को मैं ज़रा सिंगल लाइन में भी कर देता हूँ। मेरी बार बार आदत है फॉर्मेट प्रेस करने की और वो जो है फॉर्मेटर पे एरर दे रहा है। इंस्टॉल फॉर्मेटर, चल भाई इंस्टॉल कर ही देते हैं इसको आज। सर ये फॉर्मेट करने की क्या होती है? फॉर्मेट करने की है मेरे पास है कंट्रोल शिफ्ट एफ है मेरे पास, लेकिन ये विंडोज़ पे डिफरेंट। आप राइट क्लिक करेंगे ना जब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ पे राइट क्लिक। अबे मेरे पास तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ही शो नहीं कर रहा, ये क्या बकवास है यार। वेल यहाँ पे आके मैं देखता हूँ, वी एस कोड क्रैश व्रैश हो गया मुझे लग रहा है। वी एस कोड फ्रंट एंड पे ज़्यादा काम करते नहीं है ना, इसलिए ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं वी एस कोड को ज़रा क्विट करके दोबारा ओपन करता हूँ, कुछ वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अजीब सा दिखा रहा है, पता नहीं राइट क्लिक करने पे वो पूरे। अरे ये क्या हुआ, खुद क्रैश हो गया अब दोबारा से ये। हाँ ये देखो अब आया ना पूरा मेन्यू, ये कुछ गड़बड़ हो गई थी इसमें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देख रहे हो, और साथ में इसका शॉर्टकट भी मेंशन हुआ हुआ है, तो विंडोज़ में जो भी शॉर्टकट है वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ तो फॉर्मेट भी सही हो रहा है अब, तो ये अब सही फॉर्मेट हो रहा है, पहले मसला कर रहा था। अच्छा तो मैं कौन सी फाइल पे था, मैं ऐप डॉट जे एस एक्स पे था। अच्छा एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया हुआ, मैं ज़रा कोड को ऐसा बना रहा हूँ कि वो देखने में और पढ़ने में अच्छा लगे। अच्छा अब आप गौर कीजिएगा, ये जो मेरा ऐप का कंपोनेंट था ना, पहले उसमें मैं डायरेक्ट क्या प्रिंट करवा देता था, होम जो ऊपर से मैंने मंगवाया हुआ था ये होम का कंपोनेंट, वो डायरेक्ट प्रिंट करवा देता था। लेकिन अच्छा ये बाय द वे बॉयलर प्लेट है, ये हर दफ़ा इसी तरह लिखा जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये एसी एक ही तरह से लिखा जाएगा। हाँ अनटिल एंड अनलेस के लाइब्रेरी अपडेट ना हो जाए, अभी लाइब्रेरी अपडेट हुई है तो आपने देखा ये कुछ वर्ड्स इन्होंने अपडेट किए हैं। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये नेविगेशन बार का पार्ट है मेरा, ठीक है, ये नेविगेशन बार के तौर पे कहाँ पे मौजूद रहेगा, ये हमेशा टॉप पे मौजूद रहेगा नो मैटर व्हाट, ये हमेशा टॉप पे मौजूद रहेगा। अच्छा अब ये नीचे जो राउट्स है ना, ये क्या करेगा, ये एक वक्त में कौन सा होगा, कोई एक मौजूद होगा राउट, एक वक्त में कोई एक होगा, या तो वो गैलरी या तो वो होम या तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द यूआरएल कि यूआरएल में इस वक्त क्या लिखा हुआ है, गैलरी लिखा हुआ है, स्लैश लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वो बटन्स हैं, जैसे अभी इस बटन को अगर मैं प्लेन एचटीएमएल में लिखता तो क्या लिखता, मैं लिखता एंकर टैग, ठीक है, मैं लिखता एंकर टैग, सही है, और मैं एचरेफ बोलता कि कहाँ ले जाओ मुझे, स्लैश होम पे ले जाओ या स्लैश अबाउट पे ले जाओ, ठीक है। अच्छा इसमें एचरेफ भी काम करेगा, मैं इस पर अबाउट करूँगा ना तो जाएगा अबाउट पे, ठीक है, अभी देखते हैं करके। अरे अच्छा वो एनपीएम स्टार्ट नहीं किया ना मैंने, दोबारा से बंद किया था ना मैंने वीएस कोड, तो एनपीएम स्टार्ट रुक गया था। अच्छा इसमें एचरेफ के अंदर मैंने वो नहीं लिखा ना, एचरेफ के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि ए एन सी एच ओ आर एंकर टैग, ठीक है, काम ये भी करेगा एंकर टैग, देखो मुझे अबाउट में लेके चला जाएगा ये, लेकिन दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड, सही है, काम ये भी करेगा लेकिन दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं राउटिंग के लिए तो वी आर सपोज टू डू दैट लाइब्रेरी वे, लाइब्रेरी के ऑथर ने जो डॉक्यूमेंट किया है ना कि भाई इस तरह करके लिखना है आपने, तो आपको फिर वही फॉलो करना है, ठीक है। लाइब्रेरी में फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाते, लाइब्रेरी वाले ने जो बोला है कि भाई ऐसे करके लिखो वैसे ही आपको लिखना है तो वो सही चलेगा, ठीक है, वो कहीं पर वरना प्रॉब्लम करेगा वो। अच्छा राउटर के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप अगर एंकर टैग लगा देंगे तो वो काम नहीं करते फिर, तो ठीक, क्लियर सा सिंपल सा जवाब इसका ये है। अच्छा ये राउटर सब लोगों को उसको समझ में आ गया, किसी का इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज़। अच्छा एक काम करते हैं यार, जल्दी से ना हम सब लोग एक
ऐप बना लें। अच्छा आपने पहले कौन सी ऐप बनाई है इससे पहले? बल्कि एक काम करो ना, ये जो वेदर ऐप बनाई है ना आप सब लोगों ने, उसी में ये पेजेस बना लो, उसी में ये तीन पेजेस बना के और तीन ऐसे ऐसे बना के दिखा दो कि होम, अबाउट और गैलरी। ठीक है, होम के ऊपर ये वेदर दिख रहा हो पूरा, और इसके ऊपर मैंने लिखा कराची, और गेट वेदर किया तो ये पूरा नीचे कराची का वेदर आ गया। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग क्या करें अभी इसी वक्त क्लास के दौरान, सब लोगों के लिए पॉसिबल है? कोई ऐसा तो नहीं है जो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पे कोड वो देख रहा है, लेक्चर देख रहा है? सर मैं मोबाइल फ़ोन पर हूँ। अच्छा आप मोबाइल फ़ोन पर हैं। एक दोस्त कह रहे हैं कि सर मैंने दोनों कोड लिखे हैं, अपना भी और रिएक्ट बूट स्ट्रैप का भी। अच्छा वेल, तो मेरा ख्याल है फिर हम अभी अगर मोबाइल पे कुछ लोग हैं तो हम इसको रहने देते हैं। हम आगे चलते हैं, और हम अब अपना जो वो लॉग इन साइन अप वाला जो सर्वर था ना, जो हम आधा लिख चुके थे, उसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ठीक है, तो ये नेव बार अपनी जगह पे छोड़ दिया हमने, और ये राउटर राउट्स अपनी जगह पे। अच्छा ये एक्स्ट्रा डिव क्यों है बीच में, इसको हटा देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा डिव की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, शॉर्ट कर दिया बिल्कुल कोड को हमने। ठीक है, नेव बार हमने, नेव का जो टैग है वो इस वजह से लगाया क्योंकि सिमेंटिक टैग है, यू एल और एल आई भी सिमेंटिक की वजह से लगाया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ये लिंक 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 लिख देता तो भी ये चल जाता। ठीक है, ये सिमेंटिक टैग है इस वजह से लगाया मैं इसको। अच्छा इसके ऊपर मैं सी एस एस ईजली सी एस एस अप्लाई कर सकता हूँ इसमें। सी एस एस कैसे अप्लाई करूँगा? मैं इसको क्लास नेम दूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं बोलूँगा क्लास नेम और नैव है ये। ठीक है, अब नैव पे आने के बाद ज़ाहिर है इंडेक्स के साथ डॉट सी एस एस भी है मेरे पास, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस पे आके मैं क्या बोलूँगा कि भाई डॉट नैव को क्या कर दिया जाए, डॉट नैव को मैं क्या करूँगा तो ये सीधा हो जाएगा ऐसे, डिस्प्ले इन लाइन। डिस्प्ले इन लाइन से भी बेहतर एक चीज़ है डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स जी हाँ, ठीक है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैं बोलूँगा कि नैव के अंदर जो यू एल है ना उसको फ्लेक्स बना दो, तो वो उसके अंदर जो चीज़ है वो बिल्कुल ऐसे सीधी हो जानी चाहिए। देखते हैं होती है नहीं होती। मैंने कहा नैव के अंदर जो यू एल है उसको आप कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, सीधा हो गया बिल्कुल ये। अच्छा अब इसके साथ ये डॉट डॉट जो आ रहे हैं इसको कैसे हटाते हैं, कौन बताएगा? डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन नहीं है ना, कुछ और है। टैग डेकोरेशन नन। क्या डेकोरेशन? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन है ये, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, वही हटा क्यों नहीं है? ओके गॉट इट। ये असल में इसलिए नहीं हटा कि ये यू एल के अंदर एल आई सही तो है, नैव के अंदर यू एल, यू एल के अंदर एल आई सही तो है, नैव के अंदर यू एल, यू एल के अंदर एल आई। क्या यू एल पे लगता है टैक्स डेकोरेशन? ये क्यों हो रहा है भाई, एक मिनट यहाँ से लगा के देखते हैं। सर लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन है, ओके गॉट इट। लिस्ट स्टाइल नन है, लिस्ट स्टाइल नन। हाँ लिस्ट स्टाइल नन था, सारिब ने बिल्कुल सही बताया। अच्छा अब मुझे इस पर बॉर्डर चाहिए चारों साइडों पे, तो बॉर्डर मैं कैसे लगाऊंगा? अब मैं बोलूंगा कि नैव के बाद, अच्छा ये मैं इसके अलग से क्यों लिखा, मैंने इसके अंदर ही लिख देता। और मैंने कहा कि एल आई के ऊपर क्या कर दो आप लगा दो बॉर्डर, लगा दो 1 pixel सॉलिड ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर लग गया। अब ये आपस में बहुत चिपके चिपके हुए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा दूर करना है हमें, तो मैंने कहा एल आई को ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मार्जिन, नहीं सेंटर में तो करना ही नहीं है ना अभी, सेंटर में क्यों करना है, स्पेस बिटवीन कर दें सर, स्पेस बिटवीन कर दो। मुझे चाहिए राइट साइड पे, ये जितने भी नेविगेशन बार होते हैं ना वो राइट साइड पे होते हैं भाई दबे स्क्रीन के ना, फ्लैक्स सेंड कर दें सर। हाँ तो इसको मैं यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स बोला है मैं इसको बोलूँगा कि जस्टिफाई कॉन्टेंट फ्लैक्स एंड, तो ये वो खुद ही उस कोने पर चला जाना चाहिए। क्यों नहीं किया भाई, ये क्या बकवास है? नेव, अच्छा यू एल है ना सर, विड्थ नहीं बड़ी भी है उसकी। हाँ यू एल की विड्थ देनी पड़ेगी मुझे, यू एल को मुझे पहले विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ मैंने कहा 100% है भाई तुम्हारा, पूरा फुल चौड़े में आ जाओ, और ये उस कोने में भेज दिया मैंने उसको। सही है, विड्थ छोटी थी इसलिए हिल नहीं पा रहा था। अच्छा जी, तो अब ये मार्जिन, इसको मैंने बोला कि भाई 10 pixel मार्जिन ले लो, थोड़ा दूर दूर हो जाओ आपस में, बहुत करीब करीब चिपक गए हो। अच्छा फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई पैडिंग भी कुछ ना कुछ ले लो, अंदर दीवारों से बहुत चिपके हुए हो,
10 पिक्सल पैडिंग हो गई। अच्छा ये पैडिंग मुझे साइडों में थोड़ी ज़्यादा चाहिए, ऊपर और नीचे थोड़ी कम कम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा क्लॉकवाइज दूंगा इसको मैं। मुझे टॉप पे चाहिए 3 पिक्सल चाहिए मुझे टॉप पे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है टॉप, घड़ी की तरह चलता है, घड़ी के सबसे पहले बचते हैं 12, फिर बचते हैं 3, 3 पे मुझे कितना चाहिए, मुझे 10 पिक्सल चाहिए, ठीक है। फिर 3 पिक्सल यानी बॉटम पे 3 पिक्सल और फिर 10 पिक्सल मुझे लेफ्ट पे चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास हो चुका है ये, ठीक है जी। इसका मुझे बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल हो गया, 10 पिक्सल, हाँ सही है। सर पैडिंग डब्ल्यू डी में देते हैं, उसका क्या फील है? डब्ल्यू डी क्या? डब्ल्यू वी वी डब्ल्यू वी पॉट वी एच, वी एच होता है वो, वी एच का मतलब होता है विजिबल हाइट। से क्या होता है, इससे कोई डिस्प्ले में मसला आता है क्या? टेक्स्ट डेकोरेशन नन जो मैं कर रहा हूँ, ये हेड, ये अंडरलाइन मुझे हटाना है इस पे से, ये इसके लिए मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा। यार ये अंडरलाइन कैसे हटेगा, कैसे हटता है पता है किसी को? रिमूव अंडर आउटलाइन नन होगी, है आउटलाइन नन होगी, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके इम्पोर्टेंट किया हुआ इसने, ये क्या बकवास है यार। डॉट नो स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अबे नहीं भाई ये मुझे समझ आ गया कि क्यों नहीं लग रहा। ये इसलिए नहीं लग रहा कि असल में वो एंकर टैग ना एल आई के भी अंदर है, वो ए पे है, वो मुझे ए के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ए जो है ना उस पर करना पड़ेगा ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अब लगेगा ये। ये समझ आई क्या हो रहा था? असल में मेरे कोड में अगर आप गौर से देखें तो ये मैं एल आई के ऊपर नहीं लगा हुआ वो अंडरलाइन, वो लगा हुआ है इस लिंक के ऊपर, ठीक है। तो ये लिंक के ऊपर लगा हुआ है इसलिए वो उसको असर नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा भाई एंकर टैग इसके अंदर जो है ना, ये एंकर टैग की जगह मैं लिंक भी बोल सकता हूँ ऐसे पूरा, उस पर भी उसको, अरे नहीं समझ नहीं आ रहा उसको, ये एंकर टैग ही बताना पड़ेगा मुझे। वेल तो मैंने सब कुछ लिंक विंक हटा दिया इसके ऊपर से, मुझे कुछ ना कुछ इसको बैकग्राउंड कलर भी देना है और फोरग्राउंड कलर भी देना है। तो मैंने उसको बोला कि भाई एल आई का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दिया जाए, प्राइमरी कर दिया जाए। प्राइमरी कलर हमारा क्या था, ज़रा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर पिकर मेरे पास मौजूद है, कलर फ्रॉम पेज, मैंने कहा ये ब्लू कलर मुझे चाहिए। ओड़े ये क्या कलर नहीं पिक किया इसने, कलर नहीं पिक कर रहा है, ये क्या बकवास है यार। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं, पिक कलर फ्रॉम पेज। कलर पिकर काम करना बंद कर चुका है कलर पिकर चल ही नहीं रहा। अच्छा कोई दूसरा कलर पिकर है मेरे पास क्या? अबे कलर पिकर क्यों नहीं चल रहा यार। चलो मैं यहाँ से ऐसे करके उठा लेता हूँ। सर कलर पिकर में पहले उसको इमेज देना पड़ती है, फिर वहाँ से कलर पिक करना पड़ता है। नहीं नहीं वो असल में स्क्रीन शेयरिंग वगैरह भी साथ साथ चल रही है ना, मुझे लग रहा है इस वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं सर इससे होता ही नहीं है सर। अच्छा नहीं मैं तो यूज़ करता रहा हूँ ये, मेरे पास तो सही चलता है ये, लेकिन अभी नहीं चल रहा। अरे फोरग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? ओके वो इस पर नहीं लगेगा ना, वो यहाँ ए पर लगेगा, सही है। शायद बॉर्डर जो मैंने दिया हुआ है ना ब्लैक 1 पिक्सल जो है, ये शायद मुझे हटा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। हाँ काफ़ी सही बन गया। अबाउट गैलरी होम, अबाउट गैलरी होम, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ है, तो टेक्स्ट का साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। टेक्स्ट का साइज़ बाय द वे यहाँ ऊपर किसी जगह पर बोला हुआ है इसने बड़ा करने का ना, यहाँ पर किसी जगह पर इसने बोला हुआ है टेक्स्ट का साइज़, ये रहा फॉन्ट का साइज़ यहाँ पे इसने बढ़ाया हुआ है जानबूझ के। यार ये पुराने सी एस एस उड़ा देता हूँ ना मैं सारे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें है ही नहीं। ये फिर भी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या किया हुआ है इसने? वेल टेक्स्ट का साइज़ मैं इसको यहाँ पे हाथ से दे देता हूँ के फॉन्ट साइज़
12 पिक्सल बल्कि 10 पिक्सल सही है, छोटा छोटा हो गया, इतना बड़ा काफ़ी रहता है। अच्छा अब मुझे टॉप और बॉटम की शायद पैडिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो कि मैंने कम कर दी थी, 5-5 पिक्सल में टॉप बॉटम पे भी दे देता हूँ। सही है, काफ़ी सही हो गया। अब इसमें मैं जितने मर्जी बटन बढ़ाता चला जाऊँगा, अब मैं इसमें एक नया कंपोनेंट अगर ऐड करता हूँ, एक नया कंपोनेंट अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जितने फोल्डर्स बने हुए हैं इस फोल्डर में मैं एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा, जैसे कि मैंने अबाउट को पकड़ा और अबाउट की मैंने कॉपी बना ली और इसमें मैंने क्या लिखा, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन का पेज तो एक होगा मेरे पास, ऑफ कोर्स होगा, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लॉगिन, आई एम लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, फिर इसी तरह साइनअप का एक कंपोनेंट होगा, साइनअप का एस मैंने कैपिटल क्यों किया। ठीक है जी, साइनअप कंपोनेंट। अब ये दो कंपोनेंट मेरे पास ऐड हो चुके हैं, तो अब मैं इसको यहाँ पे कैसे ऐड करूँगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जब लॉगिन लिखा हुआ हो तो आप क्या करो, यानी ये बटन जब प्रेस किया जाए तो आप कहाँ पे लेके चले जाओ, लॉगिन पे लेके चले जाओ, और ये बटन जब प्रेस किया जाए तो आप साइनअप पे लेके चले जाओ। ठीक है, और जब यूआरएल के ऊपर जब लॉगिन लिखा हुआ आ रहा हो तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर कर दो, लॉगिन का, और जब साइनअप लिखा हुआ आ रहा हो तो साइनअप का कंपोनेंट रेंडर करो। अच्छा, ये साइनअप लॉगिन पे एरर दे रहा है क्योंकि ऊपर इंपोर्ट नहीं किया मैंने इसको, आ जाते हैं ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, लॉगिन साइनअप, और लॉगिन कहाँ से ला रहा हूँ मैं, लॉगिन के फोल्डर से, साइनअप कहाँ से ला रहा हूँ मैं, साइनअप के फोल्डर से। ठीक है जी, तो अब देखें यहाँ पे नेविगेशन बार मेरे पास लॉगिन साइनअप ये अलग आ गया। ठीक है, लॉगिन पे करता हूँ लॉगिन साइनअप गैलरी अबाउट होम। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये फिक्स है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका, ये इतना जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है, ये स्वैप हो रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट इसमें स्वैप हो रहे हैं। जब मैं होम दबाता हूँ तो एक अलग कंपोनेंट आ जाता है, फिर जब अबाउट दबाता हूँ तो वो गायब हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो कंडीशनल ये हो गया है हमारा, और दिस इज़ कॉल्ड राउटिंग इन रिएक्ट। ठीक है, अच्छा जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसमें राउटिंग लाजमी एक जुज होता है, उसका लाजमी पार्ट होता है, राउटिंग के बगैर कोई भी वेब एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, राउट्स बनते हैं उसके ऊपर, जैसे कि प्लेन HTML CSS की ऐप होती है तो उसमें डिफरेंट हम पेजेस बनाते हैं, और डिफरेंट पेजेस में फिर डिफरेंट उसका जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है इस तरह से करना। अगर आपको डिफरेंट पेजेस बनाने पड़ जाएँ तो फिर वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, एक पेज जब खुलता है एक पेज से दूसरे पेज पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि वो तमाम वेरिएबल जो पीछे वाले पेज पर बने हुए होते हैं वो सब के सब गायब हो जाते हैं, तो आपको इस पर बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना हो सकता है। अच्छा, अभी इतने कोड में अगर किसी का कोई सवाल है, हमने क्या सीखा, हमने राउटर बनाना सीखा, अब राउटर बनने के बाद अगर एक नया कंपोनेंट उसमें ऐड करना है या एक नया पेज ऐड करना है तो वो हमने सीखा कि वो कैसे बनेगा। अच्छा, अब अगला काम हम ये करेंगे, लॉगिन साइनअप का देखो ये तो हमने बना लिया है पेज, लॉगिन साइनअप का पेज तो हमने बना लिया है, अब लॉगिन साइनअप का ना प्रॉपर एक हम लॉगिन साइनअप इसमें बनाएंगे सर्वर के साथ अटैच करके, जो हमने पहले ही लॉगिन साइनअप का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे, उससे पहले अगर यहाँ तक की चीज़ में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। सर ये तो क्लियर है, ये लॉगिन का जो बैकएंड का कोड था ना पहले जो बनाया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, साइनअप तो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था, लॉगिन को आप चेक कर लीजिएगा पोस्टमैन से उससे अटैच करने से पहले, वो सही वर्क कर रहा था। नहीं, वो तो असल में कंप्लीट भी नहीं किया था ना हमने, तो मैंने खुद बना के कोशिश की थी, वो साइनअप तो बिल्कुल ठीक चल रहा था लेकिन लॉगिन में थोड़ा इशू आ रहा था। हाँ, वेल नहीं, हमने यहाँ पे जो सर्वर का कोड लिखा था लॉगिन साइनअप वो हमने कंप्लीट नहीं किया था, उसमें बहुत चीज़ें रहती थी अभी, तो शायद ये वजह होगी। जी दोस्तों, और किसी का कोई सवाल, अच्छा किसी ने मुझसे शुरू में पूछा था कि सर हम ये यानी ऐप का कंपोनेंट खाली क्यों छोड़ रहे हैं, तो आप देखें ऐप के कंपोनेंट में ना ये सारी चीज़ें होनी थी, इस वजह से ऐप के कंपोनेंट को हमने खाली छोड़ा था।
अभी इंडेक्स वाला जो कंपोनेंट है वो भी थोड़ा खाली खाली लग रहा है यार। इंडेक्स में तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ, देख रहे हैं आप, इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, खाली है बस ये ऐप आके रेंड। लेकिन इंडेक्स में भी बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी, वो आप देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमारे इस कंपोनेंट में होने वाली हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रा चलते हैं अपने लॉगिन और साइनअप के कंपोनेंट पे, और वहाँ जाके हम क्या करते हैं, वहाँ जाके हम लॉगिन और साइनअप का पेज तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन पे आ जाता हूँ मैं। लॉगिन पे आने के बाद अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से कोई रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाएंगे आप? कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाऊंगा मैं, यस। लॉगिन साइनअप का पेज का ना कोई टेम्पलेट मैं उठाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए कहीं से। तो बूटस्ट्रैप 4 का एक टेम्पलेट ये बता रहे हैं कि मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये है वो लॉगिन साइनअप का पेज जो बूटस्ट्रैप 4 के टेम्पलेट में ये बता रहे हैं कि मौजूद है। अब ये डाउनलोड कैसे होगा? अच्छा ये तो बनवा रहा है, हाथ से बनवा रहा है, ये तो रूबी क्लास कंपोनेंट है भाग यहाँ से, क्लास कंपोनेंट पुरानी चीज़ें। अब देख रहे हैं, अब रिएक्ट का बेनिफिट ये होगा कि बने बनाए कंपोनेंट्स आपको ना मिल रहे होंगे बहुत सारी जगहों पे। खुल जाए बाहर ऐसे टायर सीन है ना, गाड़ी बंद, माइक बंद करो अपना। ओके सॉरी सर, नहीं मैंने कहा पता नहीं तुम कोई प्राइवेट बात करो और वो पब्लिक हो जाए। नहीं ये प्राइवेट बात नहीं, वो गाड़ी खड़ी हुई थी इस वजह से हमारी ना, इस वजह से। हाँ नहीं सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये वही वाले आर्टिकल का ही कोड है। अच्छा जी, ओके ये हम आ गए। अच्छा ये हम कहाँ पर आ गए, materialui.com के ऊपर ना इन्होंने कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं, तो इसमें साइन अप का पेज और ये साइन इन का पेज, ये दोनों पेजेस इन्होंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखेगा बनने के बाद। ठीक है, बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और साइन अप का पेज इस तरह का दिखेगा। मैं वैसे इस पॉइंट पे जाना नहीं चाह रहा था मटेरियल यूआई में, लेकिन चलो अभी देख लेते हैं फिर। ठीक है, ये उसका कोड है signin.js, ये है वो पूरा का पूरा टेम्पलेट। ठीक है, ये है वो क्या है, पूरा का पूरा टेम्पलेट है ये। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे टेम्पलेट को उठा लूँगा और उठा के अपने पास लेकर आ जाऊँगा, और मुझे यूआई बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। कहाँ चला गया, कॉपी किया मैंने इसको, और कॉपी करके मैं कहाँ लेकर आ गया, अपने अपने कोड में लेकर आ गया। ये था ना मेरा लॉगिन। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने, वो इंपोर्ट वाला एक्सपोर्ट वाला भी उड़ा दिया मैंने। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अच्छा मेरे क्योंकि कंपोनेंट का नाम लॉगिन था, इसका नाम साइन इन रखा हुआ है इसने, तो मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ ताकि वो मेरा वो कोड पीछे वाला ख़राब ना हो। अच्छा जी, लॉगिन लॉगिन लॉगिन, और इसने ये रिटर्न कर दिया पूरा JSX और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन। अब ये एरर क्यों दे रहा है लॉगिन पे, ये लॉगिन पे एरर क्यों दे रहा है? ओके 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 ओके, इसने असल में क्या किया, इन लाइन एक्सपोर्ट मारा हुआ है। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट अलग से कर रहा था तो ये डबल डबल एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करना होगा, ये एक्सपोर्ट यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा एक्सपोर्ट करने का बाय द वे ये भी एक तरीका है ना इन लाइन, तो मैं नीचे वाला हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि दोनों तरीका हो जाए। पिछले 4-5 कंपोनेंट में हमने अलग से एक्सपोर्ट किया था, इसने इन लाइन एक्सपोर्ट मारा हुआ है कि फंक्शन बनते ही एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से इसने किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि मटेरियल यूआई हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, मटेरियल यूआई हमारे पास क्या है, इंस्टॉल नहीं है। तो अभी मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करूँगा अपने पास, तो ये क्या दे देगा मुझे, ये एरर दे देगा। ये कहेगा भाई कि ये जो आपने बनाया है ना सब कुछ लॉगिन के पेज पे, जो आपने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या है, मॉड्यूल नॉट फाउंड कैन नॉट रिजॉल्व मटेरियल यूआई / मटेरियल अवाटार। ये चीज़ें तो उसको मिल ही नहीं रही हैं, तो हमें ये टेम्पलेट अपने पास यूज़ करने के लिए, जैसे बूटस्ट्रैप है ना, इसी तरह बिल्कुल एक मटेरियल यूआई नाम की चीज़ है, तो हम मटेरियल यूआई को इंस्टॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करने के लिए मैं ज़रा चला जाता हूँ
मटेरियल यूआई के वेबसाइट पर, और यहाँ जाने के बाद मैंने गेट, अच्छा ये आ रहा है यहीं पर, हाँ ये आ रहा है ना, कॉपी कर लिया मैंने npm install, ये पूरा कमांड बना के दिया हुआ इन्होंने, और मैंने कॉपी करके क्या किया अपने इस प्रोजेक्ट में आके पेस्ट कर दिया और इंस्टॉल कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा ये तो मटेरियल यूआई इंस्टॉल हुआ है, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और भी हैं, देखते हैं वो सब इंस्टॉल हो जाता है कि कुछ और भी करना पड़ेगा हमें। हो रहा है। अच्छा ये हो तो गया इंस्टॉल, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें मिल रही नहीं है। क्या चीज़ें नहीं मिल रही? अब नहीं मिल रहा है जो इसको, वो बटन नहीं मिल रहा, और ये कुछ चीज़ें इस तरह की नहीं मिल रही हैं इसको। अच्छा तो मटेरियल यूआई ना कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ये गेट स्टार्टेड में देखते हैं कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन कैसे है इसकी। ये इंस्टॉलेशन का सेक्शन आ गया, और ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसकी, ये तो हमने कर दिया ये वाला। एक काम करते हैं, यहाँ से जितनी भी कमांड है ना लाइन से, इसको दोबारा चला देते हैं, ठीक है। स्टाइल डी कंपोनेंट और ये इंजन एस सी स्टाइल कंपोनेंट, ये सब इंस्टॉल करना होगा हमें, ठीक है। ये सारी कमांड ना यहाँ से ला के हम, अच्छा ये पहली कमांड चला दी इंस्टॉलेशन की, उसके बाद ये दूसरी कमांड आ गई इंस्टॉलेशन की। एम आई यूजिंग इमोटिकॉन स्टाइल डी कंपोनेंट इंस्टेड रन दिस, टाइपोग्राफी, हाँ ये रहा, ये चीज़ नहीं चली हुई थी, राइट। मटेरियल आइकॉन्स, मटेरियल आइकॉन्स में से इसने क्या क्या उठाया हुआ है, ये अवतार उठाया हुआ है शायद, मटेरियल आइकन भी हमें चाहिए होंगे। अच्छा आइकन इंस्टॉल हो गया, और क्या चीज़ रह गई पीछे? यार सब तो कर दिया मैंने, अब क्यों नहीं चल रहा है ये? हाँ चल गया, ओके गॉट इट। तो हमने कौन कौन सी कमांड चलाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक ये कमांड चलाई, ठीक है, और दूसरी हमने आइकॉन्स वाली, ये आइकन्स वाली कमांड चलाई। ये दोनों कमांड चलाई तो मतलब वो पूरा का पूरा मटेरियल यूआई मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो गया, और ये आप देखें मेरे पास क्या बन के आ गया, ये मेरे पास लॉगिन का पूरा पेज अच्छा सा प्यारा सा चुन्ना मुन्ना सा तैयार होके आ गया, सही है। और ये क्या है, रिस्पॉन्सिव भी है, जो अभी दोस्त कह रहे थे ना कि रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, वो ये बना बनाया मैंने उठाया ना, तो ये रिस्पॉन्सिव भी है बाय डिफॉल्ट, इसको मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यही वाला पेज रिस्पॉन्सिव है ना? हाँ, अभी फिलहाल यही पेज रिस्पॉन्सिव है, जो होम का पेज है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, है तो असल में होम के पेज में है कुछ नहीं ना अभी रिस्पॉन्सिव होने लायक, ठीक है। जैसे साइन इन, साइन इन आपका जो हेडिंग है लॉगिन से रिप्लेस करनी पड़ेगी। हाँ तो अभी आप देखें ये नेविगेशन बार मेरा ना वो नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। अभी नेविगेशन बार का भी बना हुआ रहा होगा यहाँ पे, ये अभी जो मैं कहाँ गया, वो थीम में था ना, मैं ये थीम में था। हाँ ये जो इनके टेम्पलेट्स हैं ना मटेरियल यूआई के, कुछ बने हुए टेम्पलेट्स हैं, इसमें नेविगेशन बार का भी एक टेम्पलेट आ रहा होगा कहीं ना कहीं, सही है। वो नेविगेशन बार के नाम से है, स्टिकी फूटर है इसमें। डैशबोर्ड पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, इसको ज़रा खोल के देखते हैं इसमें क्या किया, इसी में होगा नेविगेशन बार भी कहीं ना कहीं। अच्छा ये फिक्स है, बस यही है इसके अंदर, नेविगेशन बार इसमें नहीं है, ठीक है। वेल एक तो अभी ये मैंने तो ये अभी दो चार चीज़ें उठाई हैं। अच्छा एक ये भी है साइन इन साइड वाला, एक साइन इन इस तरह का भी है साइड स्टाइल वाला, ठीक है, एक बीच वाले स्टाइल वाला भी है। अच्छा ये ज़रा ब्लॉग को ओपन करते हैं, इसमें होगा नेविगेशन बार, हाँ ये देख रहे हो नेविगेशन बार है। अब इसको अगर मैं ज़रा रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक करूँ मैं कि रिस्पॉन्सिवनेस की क्या सूरत हाल है, नहीं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब नेविगेशन बार जो है वो क्या होता है, वो स्क्रॉलेबल हो जाता है थोड़ी देर के बाद। वेल अभी मैं जाके गूगल पे लिखूँगा ना रिएक्ट, सॉरी मटेरियल यूआई टेम्पलेट, मटेरियल यूआई टेम्पलेट सारे रिएक्ट पे ही होते हैं बाय द वे, ठीक है। तो आप देखें ये मटेरियल यूआई के क्रिएटिव टेम्पलेट्स ना फ्री अवेलेबल है सब लोगों के पास। अच्छा ये फ्री वाले नहीं है बाय द वे, ये देख रहे हो ये पूरे बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये कंपोनेंट राउटर ये सब इसमें लगा हुआ है,
आपने जस्ट उसको क्लोन करना है, चलाना है। देखो रिएक्ट पे है ये, बना हुआ है रिएक्ट वाला ये। मैं ज़रा फ्री लिखूँगा ना तो फ्री आ जाएगा, फ्री मटेरियल यूआई टेम्पलेट्स। ठीक है, कलर लिप वालों के पास ये कुछ फ्री पड़े हुए हैं शायद। ये देखो ये टेम्पलेट पूरा फ्री है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, सब कुछ होगा। ये देख रहे हो पूरा का पूरा टेम्पलेट है ये। आपने जैसे उसको डाउनलोड करना है और आपने इसको डायरेक्ट काम करना शुरू कर देना है इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, लेकिन ये डाउनलोड करने में आपको पता होना चाहिए कि चल कैसे रहा है, इसलिए हम ये रिएक्ट सीख रहे हैं। वरना तो फिर डायरेक्ट आप करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। रिएक्ट आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट बनती कैसे, चलती कैसे। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत सा टेम्पलेट है, ये सारे डैशबोर्ड्स हैं। अगर मैं साथ में लिख दूंगा ना लॉगिन साइनअप, तो लॉगिन साइनअप, तो वो लॉगिन साइनअप वाले टेम्पलेट उठा के ले आएगा। ये रहा कोड सैंडबॉक्स में किसी ने बनाया हुआ है, मॉक प्लस, मॉक प्लस एक वेबसाइट है, उन्होंने ये बना के डाला हुआ है टेम्पलेट इसका। ये रहा देख रहे हो कैसे खूबसूरत से टेम्पलेट्स हैं, ये बना हुआ है लॉगिन साइनअप, लॉगिन पेज इलस्ट्रेशन, और ये होगा रिएक्ट में ही नहीं, रिएक्ट में नहीं है ये, स्केच में, ड्राइंग ऐप में बना हुआ है ये। देख रहे हो कैसे अच्छे अच्छे से बने हुए हैं। तो ना टेम्पलेट ढूंढना पड़ेगा आपको, और वो सब अवेलेबल है मार्केट में पहले से बना हुआ है। कुछ तो चार पांच इन्होंने मटेरियल यूआई वालों ने खुद बना के यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। वेल, हम अब आ जाते हैं अपने कोड में। अच्छा, साइनअप वाला तो हमने पकड़ा ही नहीं ना, साइनअप वाला भी तो पकड़ा। ये साइनअप का हमने देखा कि भाई सोर्स कोड, और साइनअप का ये साइनअप डॉट जे एस, और ये पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया है, यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके, अब हमारा जो साइनअप था उसमें मैं गया और साइनअप, ठीक है जी, साइनअप भी मेरा चल पड़ा। अब मैं आता हूँ ज़रा अपने कोड में, और ये मेरा लॉगिन था, ये मेरा साइनअप आ चुका है। अब मुश्किल तो नहीं था, अच्छा था, आसान था। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने इस लॉगिन के बटन, ये लॉगिन का भी क्लिक करता हूँ मैं। ओके, कहाँ गया मेरा कॉन्सोल। ओके, अभी मैं ये लिख के और साइन इन का बटन प्रेस करता हूँ, जब साइन इन का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखो मुझे ऑब्जेक्ट में ना दे देता है ये, और यहाँ पे प्रिंट हो जाता है ये। अब ये जो ऑब्जेक्ट में चीज़ प्रिंट हो रही है, ये हम ज़रा देख लेते हैं कोड में कि ये हो कहाँ पे रहा है। ये मैं लॉगिन वाले पेज पर आया, और ये ऊपर सब कुछ इम्पोर्ट हुआ हुआ है, बटन, अवाटार, टेक्स्ट फील्ड, ग्रिड, बॉक्सेस, जो जो होता है ना वो सब इम्पोर्ट हुआ हुआ है। ये एक छोटा सा कंपोनेंट है जो नीचे टाइपोग्राफी, वो जो है ना वो नीचे कॉपीराइट जो लिखा हुआ है कि योर वेबसाइट, मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि भाई सिस बॉर्ग, तो वो सिस बॉर्ग लिखा हुआ जाएगा योर वेबसाइट की जगह पर, उसके बाद डेट लिखा हुआ जाएगा फुल ऐसे करके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जो कॉन्सोल डॉट लॉग ये करवाता है, सही है, ये जो कॉन्सोल डॉट लॉग ये करवा रहा है, यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। तो मैंने अब क्या करना है, ये डेटा डॉट गेट, और ईमेल से ईमेल मिलता है, डेटा डॉट गेट पासवर्ड से पासवर्ड मिलता है। ये मटेरियल यूआई का तरीका है बाय द वे, ये इसी तरह ही होता है मटेरियल यूआई में। हम मटेरियल यूआई को ये इतना अच्छे से कवर नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन टेम्पलेट में मुझे कॉन्सोल डॉट लॉग में ये मिल रहा है, तो इससे मुझे पता चल गया अच्छा ये करके मिलता है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक्सियोस कॉल करूँगा मैं यहाँ पर, एक्सियोस डॉट पोस्ट, राइट, और एक्सियोस डॉट पोस्ट पर मैं क्या डालूंगा, मैं लिखूंगा भाई बेस यूआरएल, जो भी मेरा होगा बेस यूआरएल, बेस यूआरएल जो भी मेरा होगा वो लिखूंगा मैं, स्लैश, और स्लैश के बाद मैंने लिखा ये कौन सा लॉगिन का पेज है ना मेरा, लॉगिन, और साथ में मैं बॉडी भेजूंगा, बॉडी में क्या लिखूंगा मैं, ईमेल इक्वल्स टू, और ये डेटा डॉट गेट ईमेल, सही, इसी तरह कॉल करते हैं मैं एक्सियोस को, पासवर्ड, ठीक है, और क्योंकि हम अब नया वाला कर रहे हैं
एसिंक्रोनस कर रहे हैं हम अब, राइट। तो एसिंक्रोनस के लिए मैं क्या करूँगा, इसको अब वेट लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे बोलूँगा भाई ये फंक्शन एसिंक है, सही है, ये मेरा क्लिक हैंडलर है कि क्लिक के बटन पे जो चीज़ जो फंक्शन चलता है ये वो फंक्शन है। तो मैंने कहा भाई ये फंक्शन एसिंक होगा और इसके अंदर अवेट लग रहा है, अवेट वाला काम होगा, बेस यूआरएल अभी एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए एरर दे रहा है वो। मैंने कहा लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट और ऐसे लगा दिया, और ये अवेट वाला कोड पूरा का पूरा कहाँ आता है, ट्राई कैच में आता है। तो मैंने कहा कि ट्राई और नीचे कैच, सही है जी। और ये एरर मेरा, अगर कोई एरर अगर आता है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, एरर इन एपीआई कॉल, ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो वो ये बता दे और साथ में वो एरर को भी प्रिंट कर दे कॉन्सोल पर, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स अगर आ जाता है प्रॉपर तो क्या कर दे, स्क्रीन पे मुझे वापस दिखाना है वो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कॉन्सोल करवा देता हूँ कि कॉन्सोल में जो भी आएगा ना मेरा रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, यही भेजता हूँ मैं सर्वर से। तो ये मेरा फ्रंट एंड यहाँ पे से कंप्लीट हो गया। अच्छा, बेस यूआरएल जो है वो फ़िलहाल मैं यहीं पे बना देता हूँ, लेकिन बाद में ये बेस यूआरएल मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, ये मैं एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन पे बनाऊँगा जो सब जगह अवेलेबल हो जाए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बेस यूआरएल यहीं पे बना देता हूँ। मेरा बेस यूआरएल क्या होने लगा है, मैंने कहा कि भाई लेट मेरा जो बेस यूआरएल है वो है http://localhost:3000, ठीक है, इसी पे मेरा सर्वर रन होगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। ओके, अच्छा, तो ये लॉगिन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमें साइनअप में भी यही पूरा कंप्लीट काम करना है कि साइनअप में वो तमाम फील्ड्स को उठा के मुझे अपने सर्वर पे भेजना है। और मैं क्या करूँगा, ये हैंडल क्लिक के अंदर ना मैंने जो ये पूरा कोड लिखा है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर कोड मुझे साइनअप पर भी लिखना है। और मैं अब साइनअप का वाले पेज पर चला जाता हूँ, ठीक है। साइनअप का ये क्या हो गया, हैंडलर हो गया, सबमिट हैंडलर। मैंने कहा भाई आप एसिंक हो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये बेस यूआरएल मेरा आ गया और मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है exios.post, कहाँ पे भेजनी है, अब साइनअप पे भेजनी है, ठीक है। और साइनअप में क्या क्या चीज़ें भेजूंगा, मैं ईमेल और पासवर्ड भेजूंगा और साथ में और भी जो जो चीज़ें यहाँ पे है ना लिखी हुई, और क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है पासवर्ड है, एक मिनट यहाँ से देख लेता हूँ क्या क्या है। ओके, वो एक्सियोस इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए एरर दे रहा है, तो एक्सियोस को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, npm i exios, ठीक है जी, एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। और एक्सियोस को ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, मैंने कहा कि भाई इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, इंपोर्ट हो गया एक्सियोस। यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा मुझे, एक्सियोस, अच्छा एक्सियोस ऑटोमेटिक आ गया, वेल डन यार, क्या बात है। अच्छा, तो साइनअप में मैं देखना चाह रहा था क्या क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है और एड्रेस है, चार चीज़ें हैं। मैं और मज़ीद ऐड भी कर सकता हूँ, सही है, फ़िलहाल मैं ये चार चीज़ें ले लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई FIRST नेम ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है क्या सही फर्स्ट नेम, अच्छा फर्स्ट नेम तो मुझे नहीं मिला, फर्स्ट नेम का ज़रा मुझे ना नेम देखना पड़ेगा नीचे, फर्स्ट नेम का है क्या, फर्स्ट नेम के अंदर क्या लिखा हुआ है इसने नाम जिससे ये गेट होगा, ईमेल तो ये आ गया, ईमेल, पासवर्ड,
यार ये क्या सीन है, नेम तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ आ रहा है यार, कंट्रोल एफ कर लेते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, जादू से आ रहा है क्या? ओके स्टिल आई एम स्टिल ऑन लॉग इन पेज यार, माई बैड। मैं लॉग इन पेज पे खड़ा हुआ हूँ अभी और मैं ढूंढ रहा हूँ साइनअप में से, ठीक है। ये मैं लॉग इन के पेज पे हूँ इसलिए उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं मिल रहा। वही मैं कह रहा हूँ, जब है नहीं तो जादू से आ रहा है क्या? हाँ ये आ गया ना, अब यहाँ पे होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये साइनअप शुरू हुआ यहाँ से। हाँ फर्स्ट नेम सही है, कैमल केस में लिखा हुआ है। असल में गलत फाइल में मैं ढूंढ रहा था इसलिए मुझे नहीं मिल रहा था। तो आईडी इसका और ये नेम से असल में गेट हो रहा होता है ना, जो डॉट गेट है ना वो नेम लिखा हुआ होता है। तो नेम जो लिखा हुआ है वो सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों कैमल केस में। हाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। सबको ज़रा प्रिंट करवा लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट है। ठीक है जी, फर्स्ट नेम मुझे मिल गया, लास्ट नेम मुझे मिल गया और पासवर्ड मुझे मिल गया और ईमेल मुझे मिल गया, ये चारों चीज़ें मिल गई। अच्छा अब जस्ट इन केस अगर मुझे एक नई फील्ड इसके नीचे ऐड करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं ऐसे करूँगा। अच्छा आप नोट करें सबके साथ ना एस्टेरिक लगा हुआ है, एस्टेरिक का मतलब होता है रिक्वायर्ड। अगर मैं एस्टेरिक किसी में से हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं रिक्वायर्ड हटा दूँगा जाके, ठीक है। जैसा कि ये फर्स्ट नेम है इसके साथ ये रिक्वायर्ड लगा हुआ है, मैं रिक्वायर्ड हटा दूँगा तो वो एस्टेरिक ऑटोमेटिकली हट जाएगा इसमें से। नोट किया आपने ये? अच्छा इसी तरह से अगर कोई मुझे नई फील्ड ऐड करनी हो तो वो मैं कैसे करूँगा। अच्छा ये जो ग्रिड है ना, बाय द वे ये ग्रिड क्या चीज़ है, ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह एक चीज़ होती है, ये वो है ग्रिड। तो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा जो ग्रिड था ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रिड मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, डबल कर दिया उसको मैंने। तो आप देखेंगे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर भी डबल हो गया। तो वही चीज़ मुझे कॉपी कर देनी जो पहले से बनी हुई है, कंट्रोल जेड किया मैंने। अच्छा मिसाल के तौर पर मुझे पासवर्ड के नीचे एक और फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा, ये है ना पासवर्ड की फील्ड, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे लगे मैं पेस्ट कर दूँगा, तो पासवर्ड के नीचे एक और फील्ड बनी हुई आ जाएगी। अब इस पासवर्ड की फील्ड में मिसाल के तौर पर मुझे क्या चाहिए, मुझे बंदे का फुल एड्रेस चाहिए। तो मैं, ये मेरा टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड क्या चीज़ है, एक कंपोनेंट है जो ऊपर कहीं इम्पोर्ट किया गया है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड एक कंपोनेंट है, कहाँ से मिल रहा है मुझे, मटेरियल यूआई से मिल रहा है। चल के देखते हैं ऊपर, ये देखो इम्पोर्ट टेक्स्ट फील्ड फ्रॉम मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई से मुझे ये टेक्स्ट फील्ड मिल रहा है, राइट। ये टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड है, फुल विर्थ का है, नाम इसका पासवर्ड है। मैंने कहा नहीं, नाम पासवर्ड नहीं होगा, अब इसका नाम इसका होगा अब एड्रेस, ठीक है, एड्रेस चाहिए मुझे इसमें। ऑटो कंप्लीट मुझे नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि वो मैच कर लेता है, मतलब जैसे ही क्लिक करूँगा ना मैं सजेशन देना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे देखो ये सजेशन दे रहा है, ये सजेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको अभी भी ये समझ रहा है कि पासवर्ड की फील्ड है ये, ठीक है, इसलिए मुझे एड्रेस दे रहा है ये, ठीक है। रिक्वायर्ड है, फुल विर्थ है, एड्रेस नाम है इसका, टाइप एड्रेस है, टाइप एड्रेस है, टाइप एड्रेस क्यों है इसका, टाइप इसका टेक्स्ट होगा ना, टाइप टेक्स्ट है ये, ठीक है। ये स्टिल पता नहीं क्यों मुझे सजेशन दे रहा है, शायद इसने कैशे वैशे कर लिया। हाँ अब ये मुझे देखो एड्रेस देना शुरू किया इसने, ठीक है, वो सजेशन टेक्स्ट उसने जो है ना वो कर लिया था। अच्छा इसमें और कुछ रह तो नहीं गया, ये आई वॉन्ट टू चेक और दिस, अगर ये मुझे गेट करना है कि बंदे ने चेक लगाया है कि नहीं चेक लगाया, तो इसका जो नेम है उससे मैं इसको गेट कर लूँगा। इसका नेम क्या है, फॉर्म कंट्रोल लेबल, और इसका नेम है डिंग 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 डिंग, इसका नेम तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया यार। चेकबॉक्स की वैल्यू है अलाउ एक्स प्राइमरी वेल, इसको मैं गेट कैसे करूँगा जब इसका नेम ही नहीं है, तो नेम इसको दे देता हूँ मैं, एग्री, ठीक है, एग्री पे ये मुझे वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। मैं यहाँ से इस एग्री को भी गेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखते हैं ये एग्री मुझे क्या मिलता है। अब मैंने चेक लगाया और मैंने बटन प्रेस किया,
ठीक है, तो एग्री पे मुझे वो मिलना शुरू हो गया, और अगर मैं चेक हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, नल मिलेगा, ठीक है, एग्री पे नल मिल रहा है मुझे। तो ये मैंने 5 की 5 वैल्यू इसमें से गेट कर ली मैंने, और इसमें एक नई फील्ड भी ऐड करना सीख ली। तो हम क्या कर सकते हैं अब कोई भी रिएक्ट का टेम्पलेट उठा के उसके ऊपर अब हम वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सियोस भी अब लगा लेते हैं इसके ऊपर जल्दी से। हम साइनअप कर दिया मैंने, साइनअप की API कॉल होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल पासवर्ड, तो बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल पासवर्ड चाहिए बस। और ये एग्री वाला मैं फ़िलहाल अभी छोड़ दे रहा हूँ, अभी इसको मैं अपने सर्वर में नहीं भेज रहा। और रिस्पॉन्स जो आता है उसको मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। अब यहाँ से मुझे ना अगला काम चाहिए मेरे सर्वर पे, ठीक है, अगला काम मैंने अब क्या करना है, मेरे सर्वर पे करना है, अब वो यहाँ पे नहीं होगा अगला काम। इतने कोड को मैं कमिट कर देता हूँ, मैंने कहा लॉग इन, साइन अप, स्क्रीन रेडी, सिंक चेंजेस, ठीक है। ये सारा का सारा कोड मैंने पुश कर दिया, कमिट कर दिया, ताकि वो मेरे पास से जो है ना, अब जो मैं नया कोड लिखूँ मुझे क्लियरली दिखे कि कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हमारे सर्वर के ऊपर। सर्वर कहाँ है मेरा, Node.js, और ये रहा लॉग इन साइन अप विथ डेटाबेस, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा सर्वर है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं इसको कहाँ लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि जब सेम फोल्डर में मेरे पास सर्वर और मेरा वेब दोनों होगा, तो मेरा सर्वर कहाँ पे होगा और मेरा वेब कहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि ये पूरा का पूरा जो मेरी ऐप है ना, ये एक वेब का फोल्डर होगा, उसके अंदर होगी ये पूरी की पूरी ऐप। मैंने कहा वेब, एंटर, और ये पूरा का पूरा जो मेरा सारा सामान है ये मैं क्या करूँगा, ये मैं उठा के इस वेब के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, SRC से लेके नॉड मॉड्यूल तक ये सब कुछ मैं क्या कर दूंगा, इस वेब के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। अगर ये शुरू से बनाया ही वेब में जाए, हाँ शुरू से बनेगा ही वेब में, असल में ये शुरू से बनेगा ही। वो तो हम असल में इंक्रीमेंटल वे में काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो हमें शुरू में फील नहीं हुआ। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, ये जो मेरा राउटिंग का फोल्डर है ना, इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, वो सारा का सारा मेरा सर्वर ला के पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, सर्वर भी एक तरह से गलत पेस्ट हो गया, सर्वर ये रूट पेस्ट होना था ना बाहर, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब हम आप नोट करें, अगर गौर से इसको देखें, तो मेरा जो फोल्डर है ना, जो ये राउटिंग, जो मेरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के रूट पे जो पड़ा हुआ है वो है मेरा सर्वर। इस प्रोजेक्ट के रूट पे जो पड़ा हुआ है वो, अच्छा ये index.js इसकी फाइल तो उड़ा देना, अब तो सर्वर हमारा नेकेड सर्वर है, ठीक है, या रेस्ट सर्वर जिसको बोलेंगे हम, रेस्ट सर्वर है हमारा। और ये वेब के फोल्डर में पूरा का पूरा वेब पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, पूरी रिएक्ट की ऐप मैंने इसके अंदर कर दी। और रूट पे मेरे क्या चीज़ आ गई है, रूट पे मेरे आ गई है मेरा सर्वर, server.mjs, ठीक हो गया। तो इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज हुआ वो होगा, ऑर्गेनाइज हुआ वो होगा। और मैं सर्वर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा सर्वर है, और ये सर्वर का गेट इग्नोर है, और ये सर्वर का package.json है। और अगर मुझे वेब के अंदर काम करना है तो मैं वेब खोल के यहाँ पे सारे काम कर रहा। तो अब मैं करूँगा क्या, असल में अब मैं ये इसको रोक दूंगा और मैं cd web करके फिर npm start चलाऊंगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक ही रिपॉजिटरी में रखें, आप दो अलग अलग रिपॉजिटरी में भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन मैं आमतौर पर जो मेरी प्रैक्टिस रहती है वो यही रहती है कि मैं दोनों को सेम रिपॉजिटरी में रखता हूँ, और एक वेब का फोल्डर बना के वेब पूरा उसके अंदर, ठीक है, और सर्वर रूट पे, ठीक है। अब वेब के साथ एक फोल्डर मोबाइल का भी बन सकता है, वेब के साथ साथ एक फोल्डर क्या हो सकता है, मोबाइल का भी बन सकता है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से जाते हैं और हमारे जो लॉगिन और साइनअप का जो सर्वर का कोड है उसको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, साइनअप को क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, यही चार चीज़ें हम वहाँ से भेज भी रहे हैं। अच्छा, सर्वर को ज़रा रन भी कर लेते हैं। सर्वर को रन करने के लिए मैं एक स्प्लिट करके एक टर्मिनल खोल लेता हूँ, ठीक है, मैं सर्वर के फोल्डर में आ गया, मैंने कहा npm run dev, तो ये मेरा सर्वर क्या हो गया, चल गया, ठीक है, सर्वर चल गया, कनेक्टेड टू डेटाबेस भी आ गया लिखा हुआ,
अब यहाँ से आके मैं ज़रा ज़रा साइन अप जल्दी से ना चलाता हूँ अब। मैंने कहा अच्छा ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ये वेब सॉकेट से कनेक्ट होने क्यों मांग रहा है ये वेब सॉकेट से कौन कनेक्ट कर रहा है इसको। ओके ये वेब सॉकेट से क्यों कनेक्ट हो रहा है भाई, ये मेरे ख्याल है जो मैंने टेम्पलेट उठाया ना वहाँ पे कहीं पे ये वेब सॉकेट से भी कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं साइन अप का ज़रा कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डब्ल्यू एस लिखता हूँ ज़रा। नहीं यार यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है वेब सॉकेट वाला, ओके गॉट इट। ये मेरा जो फ्रंट एंड चल रहा है ये भी तो 3000 पे चल रहा है ना, तो मुझे सर्वर किसी दूसरे पोर्ट पे चलाना होगा। मेरा सर्वर भी 3000 पे चल गया है, मसला ये हो रहा है मेरा सर्वर मुझे किसी दूसरे पोर्ट पे चलाना होगा, राइट। मेरा सर्वर मैं चला देता हूँ 5000 पे, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा सर्वर, और मैंने कहा 5000 पे सर्वर चल रहा है मेरा, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ मैंने बेस URL लगाया हुआ है वहाँ पे भी चेंज होगा। फिर साइनअप के अंदर जो मैंने बेस URL लगाया हुआ है ये 3000, अब यहाँ पे 5000 होगा। वो एक ही पे दोनों चल गया था ना, इस वजह से वो पागल हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। ओके अच्छा मैक के ऊपर ना 5000 रिज़र्व होता है, अभी मुझे याद आया 5000 वन कर देते हैं, सही है। मैक पे 5000 जो है वो रिज़र्व होता है, किसके लिए रिज़र्व होता है, इनका जो एयर प्ले है ना उसके लिए रिज़र्व होता है। अबे कोई ढंग का रख देते, 5000 रख दिया यार बताओ, इतने काम की पोर्ट है 5000, तो 5001 चला देते हैं। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरा फ्रंट एंड जो चल रहा है वो पोर्ट 3000 पे चल रहा है, और मेरा जो बैक एंड है, मेरा जो सर्वर है वो 5001 पे चल रहा है, ठीक है। दोनों लोकल हैं, अब जब दोनों क्लाउड में भेजेंगे हम तो वो आप सब लोग जानते हैं कि उसमें कैसे वो बेस URL को मैंने कंडीशनल बना के दिखाया था लास्ट आपको, तो वैसे करके हम उसको भेज रहे होंगे। अच्छा तो साइनअप का जो कोड है मेरा उसको ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि वो ठीक है कोड या नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे अभी भी ये एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। हाँ वो सारे एरर चले गए ना सॉकेट वाले, वो इस वजह से हो रहा था, रियल टाइम में जब रीलोड करते हैं ना वो एरर दे रहा था। अच्छा जी, ऑलरेडी एग्जिस्ट को चेक कर लिया था हमने फाइंड वन ईमेल के, भाई पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छा पहले से एग्जिस्ट करता है तो 400, अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो पासवर्ड को हैश बनाया और हैश बना के नया यूज़र क्रिएट किया, नया यूज़र क्रिएट करके डेटा सेव बोला और मैसेज दिया यूज़र इज़ क्रिएटेड और इंटरनल, हाँ ठीक है, एरर की सूरत में एरर का मैसेज, सक्सेस की सूरत में सक्सेस का मैसेज, ठीक है। तो साइनअप तो हमारा परफेक्टली वर्किंग है इसमें, तो हम साइनअप ज़रा जल्दी से एक चला के भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा भाई इंज़माम मलिक, ठीक है, मैंने कहा भाई मलिक सिंगर @gmail, मैंने कहा पासवर्ड 12345 और एड्रेस ABC, ठीक है जी, और साइन अप, ठीक है, यूज़र इज़ क्रिएटेड, वाओ वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। अच्छा तो मेरे पास ये यूज़र क्रिएट हो चुका है, और इस यूज़र को क्रिएट हुआ हुआ देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो डेटाबेस है उससे मुझे कनेक्ट करना होगा। मेरा जो डेटाबेस क्लाइंट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इस डेटाबेस से कनेक्ट होकर देख लेता हूँ कि वो क्या दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा एक हमने यूज़ किया था डेटाबेस क्लाइंट स्टूडियो 3T ना, फ्री वाला जो था लाइट, लेकिन यार वो बड़ा वाहियात है ना। तो एक MongoDB का अपना भी है, ये MongoDB कंपास, हम ज़रा इसको चलाकर देखते हैं। ये थोड़ा सा हैवी है, प्रोसेसिंग पावर और रैम वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये ना स्टूडियो 3T से थोड़ा बेहतर है इसका, ठीक है। देख रहे हो ऑन होने में कितना टाइम लगाता है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर है उस वाले से। तो भाई ये खुल गया और मैंने यहाँ पे अपना ये URL पेस्ट किया, ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, और कनेक्ट का बटन दबा दिया तो ये मुझे मेरे डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा। अच्छा मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, सोशल मीडिया बेस नाम था ना, तो ये सोशल मीडिया बेस के अंदर एक नया यूज़र आ चुका होगा, यूज़र्स
ठीक है, यूज़र्स पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये मुझे दिख गया, देखो मलिक मलिक और एबीसी। अच्छा ये तो पहला है ना, हमें तो आखिरी देखना है, लास्ट। अभी ये है वो लास्ट यूज़र जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। अच्छा इसमें आप नोट करें पासवर्ड जो है वो कैसे हैश बन के स्टोर हुआ है, ठीक है। एज 18 बाई डिफ़ॉल्ट रखी हुई थी हमने, इज मैरिड हमने फॉल्स रखा हुआ था बाई डिफ़ॉल्ट, तो इस तरह करके कुछ चल रहा था। सही है जी, जो हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ था यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट में खुद ही से चला गया है, स्कीमा में रखा था हमने डिफ़ॉल्ट, ये रहा हमारा स्कीमा। इज मैरिड हमने बाई डिफ़ॉल्ट रखा था फॉल्स। तो हमने अभी ये चार चीज़ें दी हैं, बाकी की चीज़ें नहीं मिली, तो जो डिफ़ॉल्ट था वही जाकर सेव हो गया। क्रिएटेड ऑन में डिफ़ॉल्ट पे डेट डॉट नाउ रखा था कि अभी क्या डेट हो रही है, अभी क्या टाइम हो रहा है, वो रखा था हमने, तो वो हमने यहाँ पे रखवा दिया। अच्छा अब हम कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन से पहले ज़रा लॉगिन काम ये चेक कर लेते हैं कि लॉगिन की एपीआई प्रॉपर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। अच्छा हमने यहाँ पे क्या बनाया, सबसे पहले लॉगिन में बॉडी रिक्वायर्ड है, ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ईमेल पासवर्ड इस तरह करके देना है। इस फाउंड यहाँ पे, अच्छा ये हम चेक कर रहे हैं कि पहले से तो नहीं है कहीं पे। ओ हाँ ये तो डेटाबेस वाला कोड ही नहीं लिखा हुआ हमारा, ये तो डेटाबेस का कोड ही नहीं लिखा हुआ, ये तो हमने लिखा हुआ वो जो एरे चलाते थे ना उसका कोड है, तो लॉगिन का कोड हमने नहीं लिखा था प्रॉपर तरीके से। तो हम क्या करते हैं लॉगिन का कोड ना जल्दी से लिख लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये फॉर लूप चला के हम ढूंढते थे कि पहले से यूज़र एग्जिस्ट तो नहीं करता कहीं, तो इनमें फॉर लूप हम नहीं चलाएंगे अब, ये पूरा का पूरा मुड़ा देंगे यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, इसको डेटाबेस में चेक करना है, इसको डेटाबेस में मुझे चेक करना है कि इस ईमेल से पहले से यूज़र मौजूद तो नहीं है कहीं। तो ये साइनअप में मैं ये काम कर चुका हूँ पहले ही, तो साइनअप से मैं उठा के ले आता हूँ। ये तरीका था ना चेक करने का कि पहले से यूज़र मौजूद तो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके सेम काम मैंने यहाँ पे भी करना है कि भाई चेक करना है कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो मैंने कहा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन ईमेल इस नाम से चेक करो, अगर कोई यूज़र मौजूद है तो उसको लेकर आओ, ठीक है। यूज़र मौजूद है तो उसको लेकर आओ। अच्छा नॉट एरर और डेटा अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि यूज़र फाउंड, ठीक है। तो अगर मेरे इस केस में अगर मुझे यूज़र मिल जाता है तब मुझे आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। साइनअप में तो उल्टा था ना, यूज़र मिल जाता था तो हम बोलते थे नहीं भाई पहले से मौजूद है, तो उसमें उल्टा है हमारे पास। इसमें मैंने कट किया इसको और मैंने कहा ये काम होगा एल्स में, सही है। और एल्स में जो काम होता था अब वो मेरे पास किस में होगा, वो इफ़ में होगा, ठीक है, वो इफ़ में होगा। अब मेरे पास उल्टा केस है यहाँ पे, क्योंकि लॉगिन है, लॉगिन में यूज़र मिलेगा तो आगे बात बढ़ेगी, अगर यूज़र नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कि क्या, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, और 404 देंगे हम कि 404 का मतलब होता है यूज़र नॉट फाउंड, बल्कि 400 देंगे क्योंकि यूज़र की गलती है ना, उसने गलत ईमेल पासवर्ड लिखा है, बल्कि सॉरी 401 देंगे क्योंकि लॉगिन फेल होता है तो अनऑथेंटिकेटेड का कोड जाता है, ये अनऑथेंटिकेटेड है। और यहाँ पे हम प्रॉपर एक मैसेज बता देंगे कि भाई यूज़र नॉट फाउंड, ओ यूज़र नॉट फाउंड नहीं सॉरी, इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं कि इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। हम यूज़र को ये नहीं बताते कि भाई तेरा ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है या यूज़र फाउंड नहीं हुआ। लॉगिन करते हुए जितने भी एरर होते हैं ना हम सब में यही बताते हैं, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, कि उसको पता चल जाएगा कि अच्छा यार इस चीज़ इसमें प्रॉब्लम आई है क्या। तो हम ना थोड़ा मैसेज जर्नलाइज किस्म का बनाते हैं कि भाई यूज़र नॉट फाउंड अगर हुआ ना, इस ईमेल से कोई यूज़र मौजूद नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। अब वो तू खुद ही अंदाज़ा लगा ले भाई कि क्या चीज़ इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताते इतनी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे फेल हुआ ना, डीबी एरर भी होता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई लॉगिन फेल्ड, ठीक है, प्लीज़ ट्राई लेटर, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बताते कि डेटाबेस में एरर हो गया या क्या हो गया, इतनी डिटेल नहीं बताते यूज़र को हम ये, क्योंकि इससे वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। अच्छा अगर यूज़र मिल गया है तो यूज़र मिलने के बाद क्या करो, उस यूज़र का जो पासवर्ड है उसको मैच करो, किसके साथ मैच करो, मेरे वाले जो अभी वाला यूज़र है ना, जो अभी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, उसके पासवर्ड के साथ मैच करो। वो कहाँ पर मौजूद है, ईमेल सॉरी बॉडी डॉट पासवर्ड में उसका पासवर्ड मौजूद है। तो पहले स्ट्रिंग टू हैश करते थे, स्ट्रिंग टू हैश के अलावा मेरे पास एक चीज़ और क्या मौजूद है, वेरीफाई हैश, राइट।
तो वेरीफाई हैश क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरीफाई हैश, सर ये क्या काम करता है वेरीफाई हैश? वेरीफाई हैश जो है ना वेरीफाई करता है उसको, वेरीफाई की स्पेलिंग मैंने क्या गलत लिखी हुई है? डब्ल्यू वी ए आर आई, ये बताओ यार गलत लिखी है स्पेलिंग मैंने, सही है वी ए आर आई इसमें, वेरीफाई हैश ये गलत स्पेलिंग है, ठीक है वी ई होता है ये, असल में लाइब्रेरी मैंने ही लिखी है तो ये बचपन में लिखी थी मैंने, तो उस वक्त स्पेलिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं थी तो उसका ये नतीजा आपके सामने आज। अच्छा तो वेरीफाई हैश जब मैंने कॉल किया तो वेरीफाई हैश में क्या चाहिए होता है, पहले नंबर पे रियल पासवर्ड और दूसरे नंबर पे जो हैश जो डेटाबेस से अब आ रहा है वो तो हैश है ना, वो तो डेटाबेस में तो हैश मौजूद है, वो तो हमने ओरिजिनल पासवर्ड सेव ही नहीं किया था, तो मैंने बोला कि बॉडी डॉट पासवर्ड यानी कि ओरिजिनल पासवर्ड जो अभी दे रहा है कॉमा, और कॉमा डाल के जो अभी आया ना डेटा, ठीक है डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है डेटा डॉट पासवर्ड में मुझे और वो हैश मिला होगा, देख लेते हैं ज़रा इसी नाम से था डेटाबेस में या किस नाम से था, हाँ पासवर्ड है हैश है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने हैश दे दिया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ओरिजिनल पासवर्ड दे दिया, ये यूज़र जो कह रहा है कि वो अभी उसके पास है। अच्छा अब ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है बूलियन, ठीक है प्रॉमिस देता है, ठीक है। अच्छा बूलियन यहाँ पे क्या देगा कि भाई इज मैच्ड, ऐसे करके बूलियन मुझे देगा ये। अब इज मैच अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि वो पासवर्ड सही है, अगर इज मैच फॉल्स आ गया तो इसका मतलब वो पासवर्ड गलत है, ठीक है। अच्छा तो अब मैंने बोला है कि भाई यहाँ पे इफ अगर ये है इज मैच अगर है तो इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड आप करो के लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है एल्स, ठीक है लॉग इन सॉरी ये बताऊंगा मैं, ये वाला मैसेज दूंगा ना इनकरेक्ट, ठीक है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एक सिंपल लॉगिन, एक तैयार हो गया मेरा, बहुत ही सिंपल लॉगिन है ये। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें स्टिल मिसिंग है लॉगिन में, अभी मुझे JWT का टोकन इसमें लगाना है, मुझे इस पॉइंट पे मुझे, मैं टू डू यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ के ऐड JWT टोकन्स, ठीक है टोकन नहीं टोकन है, एक टोकन होगा यहाँ पे मुझे JWT का टोकन लगाना है, ताकि ये ज़ाहिर है एक बार लॉगिन होगा तो कोई ना कोई टोकन दे दूंगा ना मैं यूज़र को, ताकि अगली दफ़ा वो टोकन लेकर आए अपने पास। तो ये JWT का टोकन अभी इसमें मिसिंग है, वो मैंने अभी ऐड करना है। अभी ये जस्ट एक सिंपल लॉगिन मेरा तैयार हो गया है। अब जाके ज़रा मैं लॉगिन को चला के देख लेता हूँ कि लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने पासवर्ड यहाँ पे क्या लिखा था, 1234 लिखा था ना। अच्छा तो अब मैं लिखूँगा वही सेम पासवर्ड, मैंने कहा कि भाई 1234 और मैंने कहा साइन इन, अबे 1234 ही तो था, क्यों अनऑथेंटिकेट, सही तो लिखा मैंने पासवर्ड। इस नाम से क्या दो दो यूज़र हो गए मेरे पास, ऐसा तो नहीं है कहीं दो दो यूज़र हो गए, नहीं है तो एक ही। ऐसा क्या कर दिया मैंने, अब मुझे देखना पड़ेगा कि एरर आ रहा कहाँ पे है। यूज़र मिला तो सही है, ये मुझे लग रहा है इस मैच में ना कुछ गड़बड़ हो गई है। इस मैच को ज़रा मैं यहाँ पे कॉन्सोल करवा लेता हूँ, इस मैच फॉल्स आ रहा है मुझे लग रहा है, फॉल्स आना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों फॉल्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 है आपका, 5 था जी। अच्छा हाँ इस मैच 5 लगा के देखते हैं 5 ओके। अरे वाह यार ये तो सही हो गया, सही कहा आपने कि वो 1 2 3 4 5 था। अच्छा ये लेकिन ये अनडिफाइन क्यों, ओके गॉट इट, ये अनडिफाइन इस वजह से आया क्योंकि मैंने इसमें मैसेज करके नहीं भेजा था ना, मैसेज करके भेजना था मुझे इसमें।
ये जेसन बन गया। हाँ ये जेसन बना के भेजा मैंने, जेसन ही भेजेंगे हर दफ़ा, वो तो मैंने गलती से टेक्स्ट लिख दिया था। अच्छा तो अब मैं जब साइन इन करूँगा तो ये लिखा हुआ आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। वेल डन यार, मैंने पता नहीं गलत देख लिया था शायद, 1 2 3 4 लिख रहा था मैं। अच्छा तो ये मेरा लॉगिन और साइनअप ना ये क्या हो गया, एक बेसिक लॉगिन कंप्लीट हुआ है लेकिन स्टिल इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसा कि JWT के टोकन्स। अच्छा तो अगली क्लास में अब हम क्या करने लगे हैं, नंबर एक बात ये कि हम ना, जैसे आपने कुछ ऐप्स में देखा होगा कि जब आप वंस आप लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अभी मैं होम पे जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब होम का बटन मुझे जब तक नज़र ना आए, जब तक मैं लॉगिन ना कर लूँ, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ होम का बटन मुझे जब तक नज़र ना आए, जब तक मैं लॉगिन ना कर लूँ, ठीक है, और जब मैं लॉगिन कर लूँ तो मुझे लॉगिन और साइनअप का बटन फिर नज़र ना आए। वंस मैं लॉगिन कर लूँ तो मैं चाहने के बावजूद भी लॉगिन के पेज पर दोबारा नहीं जा पाऊँ, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। मैं वंस अगर लॉगिन हो चुका हूँ मैं, तो मैं लॉगिन के पेज पर दोबारा ना जा पाऊँ। मैं अगर लॉगिन यहाँ पर लिखता भी हूँ ना, हाथ से भी लिखता हूँ ऐसे लॉगिन करके, तो मुझे वो बाउंस करके वापस होम पे लेकर आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑथ गार्ड। ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर दो बात कि जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे कुकीज़ में ना वो टोकन सेव हो जाता है, तो वो JWT टोकन भी कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट क्लास में उसको भी हम कवर कर लें, ताकि हमारा जो यानी रोबस्ट लॉगिन सिस्टम हमारा एक तैयार हो जाए अगली क्लास में। तो अगली क्लास का हमारा ये टारगेट रहेगा कि ये लॉगिन और साइनअप वाला जो काम है ना, इसको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है भाइयों। फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे अगली क्लास में, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है सर, किसी का अगर कोई छोटा मोटा सवाल है तो। बैकएंड अभी हीरो को भी चल रहा है? नहीं, मेरा बैकएंड अभी लोकल चल रहा है, हरिको पे जा सकता है, ये हरिको पे जा सकता है। अभी मैं क्लाउड पे कहाँ डिप्लॉय करेंगे, हरिको तो बंद हो रहा है। हाँ यार, वो हरिको बंद हो रहा है, मैंने वो आप लोगों से कहा था कि नेटलीफाई पे करेंगे, लेकिन वो नेटलीफाई को ना मैंने चला कर देखा तो बड़ा वाहियात है यार, वो मैं जो समझ रहा था ना वो नहीं निकला, वो नेटलीफाई ना, वो साइक्लिक ट्राई कर ले, साइक्लिक। हाँ, तो इंशाल्लाह ये मैं बल्कि साइक्लिक पे अभी मैं हाथ के आते यार अकाउंट बना लेता हूँ, CICLICK पता नहीं, cyclic.sh था, cyclic.sh, ठीक है। तो मैं इस पर जल्दी से जो है ना अभी लॉगिन कर लेता हूँ, अकाउंट बना लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, लॉगिन विद गिटहब, ओके गॉट इट, ताकि ना मैं अगली क्लास में जो ये बना रहे हैं ना हम लोकल, अभी इसको साइक्लिक पे ही डिप्लॉय करते हैं हाथ के हाथ। हरिको वैसे बंद तो नहीं हुआ अभी तक, वो चल रहा है शायद, कोई अभी है एक आध हफ्ता उसमें और है बंद होने में। चल जा सिमसिम। अच्छा, ये मेरा अकाउंट इसमें बन के तैयार हो गया, और मेरा ख्याल है ये एक्सप्रेस डिप्लॉय करना है मैं तो। वेल, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले ना, असल में एक दफ़ा मैं खुद जब तक डिप्लॉय करके नहीं देखूँगा मैं आपको बता नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं ये भी नेटलीफाई के जैसा ना निकले। असल में नेटलीफाई के अंदर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम उसमें यह है कि कुछ कोड ऐसा है जो नेटलीफाई स्पेसिफिक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हरिको में जो हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं वो एज इट इज़ गूगल क्लाउड में भी डिप्लॉय हो जाता है, वो एज इट इज़ नेटलीफाई पे भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा, क्योंकि उनके ना अपना कुछ स्पेसिफिक कोड है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उस फायरबेस से मैं इसीलिए भागता हूँ कि फायरबेस का ना अपना स्पेसिफिक कोड है, एक बार फायरबेस पे आपने बना दिया तो उस कहीं और आप उसको कर ही नहीं सकते एज इट इज़, आपको क्या करना पड़ता है फिर, कोड को चेंज करना पड़ता है किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ में मैं ज़रा वो सबसे पहले तो मैं देखूंगा, होपफुली इसमें क्योंकि एक्सप्रेस का नाम इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो होपफुली वो डायरेक्ट डिप्लॉय होगा, ठीक है जी। वेल, मैं इसको ट्राई करूंगा, होपफुली अगली क्लास में हम अपना जो क्लाउड है वो इसी पर डिप्लॉय कर देंगे। चले जी, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।